सॉरी यार भाई। कौन शुरू कर रहा है? तुम ही। इम्पोर्टेंस ऑफ सत्वगुण, तो इसमें इम्पोर्टेंस बताइए सत्वगुण की। द रियल पीस ऑफ माइंड डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड। तो जो रियल पीस ऑफ माइंड है वो आउटसाइड से नहीं आती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सेम माइंड व्हेन द माइंड इज़ कंट्रोल्ड एंड इट्स थॉट्स आर चेक्ड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सेम माइंड, मतलब जो 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 पीस ऑफ माइंड है वो माइंड के अंदर ही होती है। व्हेन जब जब माइंड कंट्रोल में होता है और थॉट्स जो होती है वो चेक्ड होती है, मतलब हम सही सही थॉट्स होती हैं। ठीक है, यू मस्ट पुट फोर्थ ग्रेट एफर्ट टू चेक दी पैशन एंड डिज़ायर्स। सो यू मस्ट पुट फोर्थ ग्रेट एफर्ट टू चेक दी पैशन एंड डिज़ायर्स। हमें अपनी जो डिज़ायर्स होती हैं और पैशंस होते हैं उनको चेक करते रहना चाहिए, मतलब उनको वो सही रहनी चाहिए, है ना सुनील? मतलब उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए, वैसे नियंत्रित रखना चाहिए और तो तू भी पढ़ सकता है ना, मैं उसको हाईलाइट करता रहूंगा आगे बढ़। हाँ ठीक, नहीं पढ़ो पढ़ो, हम पैराग्राफ वाइज करते रहेंगे स्विच, या फिर थोड़ी 10-10 मिनट बाद इसका स्विच करेंगे। okay. अभी पढ़ो वरना वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक के बाद दूसरा एक एक लाइन पढ़ेंगे अगर सब लोग तो। ठीक है, देन एनरोल विल योर एप्टीट्यूड फॉर एक्टिविटी बी सबड्यूड एंड यू विल बी एट रेस्ट एंड योर थॉट्स विल बी स्टिल्ड। देन अलोन तब ही योर विल देन अलोन विल योर एप्टीट्यूड फॉर एक्टिविटी बी सबड्यूड। मतलब जो तुम्हारी एप्टीट्यूड रहेगी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सुनील। देन अलोन विल योर एप्टीट्यूड फॉर एक्टिविटी बी सबड्यूड। भाई ना, जब तुमने पैशन और डिजायर्स को नियंत्रित करके रखा है सिर्फ तभी जो तुम्हारा जो एकदम जो क्या बोले तुमने चंचलता है ये करने की वो करने की वो कम होगी, सबड्यू होगी, एंड तब जाके तुम यू विल बी रेस्ट, लिखा ना यू विल बी एट रेस्ट, तो तभी जाके फिर तुम शांत हो पाओगे और योर थॉट्स विल बी स्टिल, और तुम्हारे जो विचार हैं वो स्थिर हो पाएंगे एंड योर थॉट्स विल बी स्टिल, एंड तभी तुम्हारे जो थॉट्स होंगे वो शांत होंगे। डेवलप देयरफॉर सत्वगुण बाय जप विचार सत्संग मेडिटेशन लाइट सात्विक फूड तपस एंड स्वाध्याय। तो डेवलप करना है हमें सत्वगुणों को किन किन चीज़ों से डेवलप करना है? जप मेडिटेशन विचार यानी थॉट कल्चर, जिसमें हम विचार से अच्छे अच्छे विचार क्रिएट करते हैं एंड थॉट से मेडिटेशन करते हैं, सत्संग मेडिटेशन लाइट सात्विक फूड तपस एंड स्वाध्याय। एन ऑर्डिनरी वर्ल्डली माइंडेड मैन कैन हार्डली हियर द इनर वॉइस ऑफ आत्मन। जो आम सांसारिक आदमी होता है वो हार्डली, मतलब मुश्किल से ही सुन पाता है इनर वॉइस ऑफ आत्मन को। ही कैन नॉट गेट प्योर थाट्स और विचार इंक्वायरी इन टू सेल्फ ऑल्सो। वो मतलब ही कैन नॉट गेट प्योर थाट्स, उसके अंदर उसके माइंड में प्योर थाट्स नहीं आते और ना ही वो उसका जो चिंतन होता है वो प्योर होता है, जो इंक्वायरी ऑफ सेल्फ करता है कि हु एम आई वाई एम आई वगैरह वगैरह। एवरी सात्विक प्योर थाट्स इनमेट्स फ्रॉम सात्विक बुद्धि। जो जो सात्विक प्योर थाट्स होती हैं वो उत्पन्न होती हैं फ्रॉम सात्विक बुद्धि से, प्योर इंटेलेक्ट। इन द केस ऑफ वर्ल्डलिंग्स संसारियों के केस में ऑल थाट्स प्रोसीड फ्रॉम माइंड ओनली। और संसारियों के केस में जो ऑल थाट्स प्रोसीड होती है वो माइंड से होती हैं। बेसिकली यहाँ पे लोअर स्टेट ऑफ माइंड बोल रहे हैं, माइंड से तो हायर थॉट भी आते हैं, बट यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो ये है कि संसारी जीव जो हैं हम जैसे, उनके ज्यादातर थॉट हैं वो जो लोअर लेवल ऑफ माइंड है, जहाँ पर बस यही भोग और अपाना खोना सुख दुख वाले विचार लगे रहते। ओके गो अहेड। ठीक है, ओपन कहाँ थे? ही हु डज निष्काम कर्मयोग, वो जो निष्काम कर्मयोग करता है सेल्फलेस सर्विस एंड हैज़ प्योरिटी ऑफ माइंड बिगिंस टू एंटरटेन थॉट्स ऑफ गॉड एंड मेडिटेशन। सो जो निष्काम कर्मयोग करता है हैज़ जिसके पास प्योरिटी ऑफ माइंड होती हैं बिगिन टू एंटरटेन थॉट्स ऑफ गॉड एंड मेडिटेशन, उसके माइंड में गॉड एंड मेडिटेशन के थॉट्स आते हैं। जनरली द माइंड रेज वेरियस सॉर्ट्स ऑफ क्यूरियस फैंटास्टिक थाट्स। जनरली जो माइंड होता है वो वेरियस काइंड ऑफ क्यूरियस फैंटास्टिक थाट्स क्रिएट करता है, मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग। इट डिल्यूट्स ऑल, मतलब डिल्यूट मतलब होता है कि वो भ्रम और है ना सुनील, भ्रम और एक संशय का भ्रमित करता है।
इट मे प्रिटेंड टू डू विचारा आल्सो बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल प्रैक्टिस इट विल डू नथिंग. ठीक है. इफ़ देर इज़ अ सीरियस डिटर्मिनेशन इन यू टू कॉन्सेंट्रेट एंड इफ़ यू पुट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ मंथ्स स्ट्रीटली एंड इफ द लॉन्गिंग फॉर दर्शन ऑफ गॉड और सेल्फ रियलाइजेशन बिकम्स कीन एंड एक्यूट देन आई डोंट थिंक दैट ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसीड्स फ्रॉम सात्विक बुद्धि ओनली. सो बेसिकली यहाँ पर वो कहता है इट मे प्रिटेंड टू डू विचारा आल्सो. उसमें ऐसा भी लगेगा, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, शो ऑफ. इट मे प्रिटेंड टू डू विचारा आल्सो बट लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल प्रैक्टिस, जब एक्चुअल प्रैक्टिस की बात आती है तो ये कुछ नहीं करता है. इफ देयर इज़ अ सीरियस डिटर्मिनेशन, अगर यहाँ पर कोई सीरियस डिटर्मिनेशन है इन यू, अगर तुम्हारे अंदर सीरियस डिटर्मिनेशन है कॉन्सेंट्रेट के लिए, इफ़ यू पुट इन टू एक्चुअल प्रैक्टिस फॉर मंथ्स स्ट्रीटली, अगर तुम मंथ्स तक स्ट्रीटली यानी कॉन्टीन्यूसली प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहोगे, इफ़ द लॉन्गिंग फॉर दर्शन ऑफ गॉड और सेल्फ रियलाइजेशन बिकम्स कीन एंड एक्यूट, अगर तुम्हारे अंदर जो लॉन्गिंग ऑफ दर्शन है मतलब डिज़ायर और उनसे मिलने की या ईश्वर प्राप्ति के दर्शन की या गॉड रियलाइजेशन की डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है, देन बिकम्स कीन एंड एक्यूट मतलब बहुत स्ट्रांग एंड डीप डिज़ायर है, देन अलोन थिंक दैट ऑल दिस काइंड्स ऑफ थॉट्स प्रोसीड फ्रॉम सात्विक बुद्धि ओनली. तो ये जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, दिस काइंड ऑफ थॉट्स प्रोसीड फ्रॉम योर सात्विक बुद्धि, दिस काइंड ऑफ थॉट ओनली स्टार्ट होती है सात्विक बुद्धि से ओनली. ठीक है, कोई और लीड लेगा? सुनील. हाँ प्रभात. आवाज आ रही है? हाँ, तो पढ़ और फिर सुनील एक्सप्लेन कर देगा. नहीं, तुम ही एक्सप्लेन करो, मुझे कुछ ऐड करना होगा तो मैं करूंगा. वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा सुनील अच्छे से, जैसे भी करे पहले बोले तो एटलीस्ट. ठीक है, अपनी जवाब से फिर देखेंगे. गो अहेड प्रभात. ओके, ऑल साधनास एम एट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्स गुण एंड द अटेनमेंट ऑफ. आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, तो आ रही है. अच्छा, हेलो, मेरे एंड पर कुछ हुआ है क्या? मुझे तो आवाज आ रही है प्रभात की. प्रीति, प्रीति तो कभी रिप्लाई नहीं करती भाई. प्रीति तो होती पता भी होती भी नहीं होती है. भाग गई क्या प्रीति? कहाँ गई? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है. ठीक है, ठीक है प्रभात. All sadhanas aim at the development of Satgun and the attainment of pure irresistible will. सभी की सभी साधनाएं सत्वगुण के विकास पे ही लक्ष्य रखती हैं और अपने विल को पूरी तरह से शुद्ध और मतलब ऐसी विल बनाने में जो कि बिल्कुल ही रेजिस्ट ही ना किया जा सके, ऐसी आकर्षण शक्ति हो उसमें. ऐसी हर साधना इसी को एम करती है. दिस विल ब्रिंग अबाउट अविद्या निवृत्ति, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस. ये इग्नोरेंस मतलब कि अविद्या, अविद्या मतलब कि जो कि हमें गलत रास्तों पर ले जाती है उससे हटाने का काम करती है. और मतलब कि हर साधना यही करती है. एंड परमानंद प्राप्ति, सच्चित आनंद स्टेट, मतलब कि ऐसी परमानंद की स्टेट जहाँ पे हमें सेक्सुअलिटी और नीचे के सुख जिसके सामने कुछ भी ना लगे. इंक्रीज ऑफ सत्व गुण एंड प्योर स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड विल पेव ए लॉन्ग वे इन अचीविंग गॉड रियलाइजेशन. सत्व गुण जब बढ़ता है और जब विल भी प्योर हो जाती है और पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड हो जाती है तो वो लंबा रास्ता है ईश्वर साक्षात्कार के लिए.
क्या कोई है यहाँ? नहीं नहीं गलत बोल दिया, इंक्रीज ऑफ सत्व गुण एंड प्योर स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड विल पे अ लॉन्ग वे इन अचीविंग गॉडलेसनेस। उसमें लंबा रास्ता नहीं कर देंगे, उसमें ये बोल रहे हैं वो कि जब जब ये सब चीज़ें होंगी तो ये हेल्प करेंगी, मतलब लॉन्ग लॉन्ग समय तक मदद करेंगी गॉडलेसनेस को अचीव करने में, है ना सुनील? हाँ ये बड़ी छलांग होती है आप में, आपका साक्षात्कार में ये सब चीजें, है ना? ठीक है, फिर बात आगे बढ़ो, ठीक है बढ़ो आगे, ठीक है। इन द वर्ल्ड आल्सो देयर आर पर्संस विद अ फ्यू सात्विक वर्च्यूज। दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके उनके अंदर सात्विक गुण होते हैं, सच एज पेशियंस, जेनरोसिटी, फॉरगिवनेस एक्सेट्रा। जैसे कि धैर्य, जेनरोसिटी का मतलब जेनरस व्यक्ति, दयालुता, दयालुता कह दो, ठीक है। फॉरगिवनेस मतलब जो माफ कर पाता है दूसरे। तो ऐसे सात्विक गुण ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, बट ए स्पिरिचुअल एस्पिरेंट ट्राइज टू डेवलप द माइंड एज ए होल। पर जो आध्यात्मिक प्यासू है या आध्यात्मिक प्यासू है वो मन को हर तरीके से डेवलप करने का प्रयत्न करता है टू एक्वायर ऑल सात्विक वर्च्यूज, ताकि वो सारे के सारे सत्व गुणों को प्राप्त कर ले। नेक्स्ट पेज, चैप्टर 7 द साइकिक स्टेट्स। साइकिक मतलब मानसिक, मानसिक अवस्थाएं। सिट इन साइलेंस इन ए सॉलिटरी रूम, अकेले कमरे में शांति से बैठ जाओ एंड वॉच द वेरियस मेंटल फेनोमेना, और मानसिक कार्यकलापों को जो अपने मन में हो रहे हैं उनको देखो, जो बहुत सारे होते रहते हैं। मेंटल स्टेट्स, मानसिक अवस्थाएं को देखो, मानसिक अवस्थाओं को देखो, मूड्स, जो मूड्स को हिंदी में क्या कहेंगे? ठीक है, हर एक चीज़ को हिंदी करने की जरूरत नहीं, मतलब मतलब समझ में आना चाहिए बस, मतलब ज़रूरी नहीं कि हमारी चीज़ को हिंदी करें। मतलब मूड्स को देखो, इम्पल्सिस मतलब जो आवेग उठ रहे होते हैं उनको भी देखो, जैसे कि एंगर, लस्ट, या फिर तरह तरह के नमकीन खाने की डिज़ायर, या फिर कुछ टेस्टी खाने की डिज़ायर जो जो हमें पागल बना दी होती है उसी समय कि हमें अभी चाहिए। इमोशंस जैसे कि एंगर, लस्ट, या फिर किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण, या फिर जुड़ाव, या फिर लव, या फिर विकर्षण भी उसी में आ जाता है, आकर्षण और विकर्षण दोनों आ जाते हैं इमोशंस में। और लव और उसमें भी फर्क होता है मोह में। सेंटीमेंट्स, सेंटीमेंट्स का मतलब भी भावना ही होता है। विम्स, विम्स फैंसीज मतलब मन के अनुसार चलना, कुछ भी करना। हाँ ये वर्ड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, अचानक से ये कर लूँ, उठा और हम तुरंत उस पर चल दिए, उनको बोलते हैं विम्स, जो शॉर्ट टर्म में उठी और हम उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं, लाइक दैट दैट ऑकर इन द माइंड। तो इस जो हम अकेले रूम में साइलेंस में बैठ के ये जो भी मेंटल फेनोमेना होता है इसको ऑब्जर्व करने के लिए कह रहे हैं स्वामी जी। इट विल बी ऑफ एब्जॉर्विंग इंटरेस्ट टू स्टडी द सटल स्टेट्स ऑफ द इनर साइकिक वर्ल्ड। ये हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करके एब्जॉर्व कर लेगा जब हम अपने मानसिक दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे जो कि सेटल है, ग्रॉस नहीं, मतलब सेटल मतलब सूक्ष्म है, जो कि बाहर दिखाई नहीं देता पर अंदर चल रहा होता है। ठीक है आगे बढ़। इंस्टिंक्ट्स तो वही होती है जो कि अपने आप हो रहा होता है हमारे अंदर से, जो कि स्वभाव
हो रहा, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं नेचुरल नेचुरल वृत्ति हां वृत्ति वृत्ति देयर आर टू पावरफुल इंस्टिंक्ट्स इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स टू. दो इस तरह की स्वाभाविक वृत्तियां होती हैं इंसानों में और जानवरों में भी. दे आर द इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड द इंस्टिंक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. खुद को बचाने की और खुद के परिवार को बढ़ाने की, ये दो इंस्टिंक्ट होती हैं जानवरों में और ह्यूमन बींग्स में. इसको थोड़ा डीपर लेवल पर समझ जा सब थोड़ा एक मिनट. इसको जैसे हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, वहाँ पर ही चल रहा होता है कि जैसे ही बाहर से कोई डिसीज के भी वो आते हैं वायरस टाइप के, तो वो उनसे अपनी रक्षा करती हैं और साथ ही साथ अपने आप को डिवाइड करती रहती हैं, मल्टीप्लाई करती रहती हैं. तो न केवल ये मैक्रो लेवल पर बात सही है कि एक इंसान अपने जैसा और इंसान पैदा करना चाहता है, बल्कि एट माइक्रो लेवल पर भी यही चल रहा है. कोशिकाएं जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है डिवाइड होती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं, और जो नष्ट भी होती रहती हैं, बट वो नेचुरल टेंडेंसी है कि अपनी सुरक्षा भी करनी है और अपने आप को बढ़ाना भी है. हंगर इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेल्फ प्रिजर्विंग इंस्टिंक्ट. जो भूख है वो खुद को बचाने की एक इंस्टिंक्ट है, और लस्ट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट. यहाँ पे मैं कुछ पूछना चाहूंगा सुनील. हेलो सुनील, ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जो बच्चा या बच्चे बच्चा चाहते नहीं है ना, ज्यादातर लोगों के केस में ऐसा होता है. तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोलते हैं कि ही प्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट? नहीं ठीक है, वहाँ पर देखो दो चीज यहाँ पे कहीं जाने, सेल्फ प्रिजर्वेशन और इंस्टिंक्ट ऑफ रिप्रोडक्ट. तो डीपर लेवल पर समझो भाई, सब अपने आप की रक्षा तो सभी करना चाहते हैं, इसमें तो कोई डाउट राइट. अगर हम मैक्रो लेवल पर ही बात कर रहे हैं तो पहली बात. दूसरी बात, तब बच्चा भी पैदा करना चाहते हैं, और जो तुम कह रहे हो कि कुछ है जो नहीं करना चाहते, वो वास्तव में क्या है? देखो ये ओवरऑल जो पूरा बच्चा पैदा करने की जो टेंडेंसी है, ये अपने आप में वल्दो किताबों में लिखने के लिए इसको मूल बोल दिया कि ये मौलिक है, बट उसका भी एक गहरा आधार है. उसका आधार क्या है कि थॉट ऑफ क्या, एक संतोष ढूंढना, एक सुख ढूंढना, एक सुरक्षा ढूंढना. ठीक है, तो सुरक्षा जो चीज़ है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए बुढ़ापे में या भाटे पर, अभी के लिए हमें कोई चाहिए, खिलौना चाहिए, उस वजह से फिर लोग बच्चे चाहते हैं. और जो बच्चे नहीं चाहते, वो इसीलिए नहीं चाहते कि वो चाहते हैं अरे बच्चे आ जाएंगे ना तो हमारी जो सुरक्षा है, जो हमारी आज़ादी है, उसमें ये प्रॉब्लम करेगा, पैसे भी हमारे खर्च होंगे, धन भी खर्च होगा. तो फिर वो उस सुरक्षा से बचने के लिए बच्चे पैदा नहीं कर रहे. जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वे इनसिक्योर हैं अपने फ्यूचर को लेके. और जो नहीं कर रहे हैं सो कॉल्ड लिबरल लोग जितने भी जो है, वो भी इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है अगर कोई और आ जाएगा तो. क्यों? क्योंकि उन्हें मनमर्जी चलानी है. अब बच्चे आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा तो उसको पालने में मेहनत लगती है, अनुशासन चाहिए होता है, तो वो डिसिप्लिन फॉलो करना नहीं चाहते. उन्हें वो इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अरे हमारी आज़ादी में वो टांग अड़ाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कबाब में हड्डी बनेगा. तो इसीलिए आजकल के सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं कुछ लोग जो नहीं चाहते बच्चे बच्चे पैदा करना. तो रीजन दोनों का सेम ही है, काम भले उल्टे कर रहे हैं बट रीजन दोनों का सेम है कि दोनों इनसिक्योर हैं. ठीक है, तो वो देखने में अपोजिट लग रही है बट अपोजिट है नहीं. कोई आध्यात्मिक आदमी हो और वो ना चाहता हो तो उसकी अलग बात है, लेकिन जहाँ तक बात संसारी लोगों की है, सो कॉल्ड लिबरल लोगों की, तो उनका कारण कोई अलग नहीं है उन लोगों से जो बच्चे पैदा कर रहे हैं. ठीक है, लस्ट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट. लस्ट थोड़ी उनकी खत्म हो गई, भले उन्हें बच्चे नहीं चाहिए होंगे बट इंस्टिंक्ट तो उनमें अब भी है. वो दूसरे तरीके बस बच्चे नहीं चाहते क्योंकि वो कबाब में हड्डी ना बने, बाकी मजे उन्हें सारे लेने हैं, भले सूक्ष्म स्तर पे हो चाहे स्थूल स्तर पे हो. ओके ठीक है, यहाँ से एन इंस्टिंक्ट इज एन इनवॉलंटरी प्रॉम्प्टिंग ऑफ एक्शन. यहाँ से पढ़ना शुरू कर. एन इंस्टिंक्ट इज एन इनवॉलंटरी प्रॉम्प्टिंग टू एक्शन. मतलब ये जो वृत्ति या इंस्टिंक्ट होती है, ये हमारे ना चाहते हुए भी हमें एक्शन करवा देती है, उसे इंस्टिंक्ट कहते हैं. ऐसी चीज जो मन में उठती है, मतलब हम नहीं चाहते कि हम करें पर अब हमसे हो जाता है बस. Sunil, you don't want to add something? Yes. Sunil?
कुछ ऐड करना है इसमें, एन इंस्टिंक्ट इज एन इनवॉलंटरी प्रॉम्प्टिंग ऑफ एक्शंस, प्रॉम्प्टिंग टू एक्शंस। हाँ हाँ, इनवॉलंटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, जैसे अपना हार्ट जो है वो धड़कता रहता है, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये इंस्टिंक्ट है ये आएंगे ही एक समय के बाद, एक उम्र के बाद, या इवन भूख तो हमेशा से ही लगती है, तो वो आएंगे ही और फिर वो तुम्हें फोर्स करेंगे ये करो, ठीक है। भूख ऐसी चीज़ है कि उस पर तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आएंगे ही और तुमसे डिमांड करेंगे कि भाई मेरी पूर्ति करो। कुछ चीज़ें हैं जिनकी पूर्ति तुम्हें करनी पड़ेगी, कुछ है जिन पर वो इंस्टिंक्ट उठना इनवॉलंटरी है, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, बट उसकी पूर्ति करनी या ना करनी उस पर कुछ हद तक कंट्रोल बनाया जा सकता है ना, वो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट वो उठेंगी ये फोर्स वो निश्चित है क्योंकि वो इनवॉलंटरी है। इंस्टिंक्ट में एक और चीज़ ऐसी भी कही जाती है ना कि जैसे कि बहुत सारों की इंस्टिंक्ट सोशली बहुत अच्छी होती है, जो सोशल चीज़ों को लोगों को पहचान लेते हैं, या फिर कोई व्यक्ति का कोई एंटरप्रेन्योर टाइप का टैलेंट होता है, मतलब वो कुछ नया नया कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है ये तो, लेकिन क्या है ना मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सोशल कंडीशनिंग और माहौल का परिणाम होता है मोस्ट ऑफ द केस, ठीक है, कि उसको ऐसा घर मिला जहाँ पर सब लोग एक्टिव हैं, यू नो जैसे होता है ना कि आईएएस के बच्चे जनरली सोकल होशियार होते हैं पढ़ाई लिखाई में, या फिर बोलते हैं कि अम्बानी का लड़का जो है वो अम्बानी ही सॉर्ट ऑफ बनता है, तो इसलिए क्योंकि जो आसपास का जो सम टोटल ऑफ संस्कार जो उस पर पड़े, उसके मन पे पड़े, वो सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहे, स्कूल में क्या पढ़ाया गया वो नहीं, सम टोटल ऑफ संस्कार जो वो पढ़े वो इस तरह के होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए कि जेनेटिकली भी कुछ ऐसा होता हो, उस पर मैं नहीं जा रहा, मुझे पता नहीं उसका, बट अदरवाइज तो एक बच्चा जो एक झोपड़ी में अपना यू नो पूरा बचपन गुजारेगा, और एक एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार आध्यात्मिक आईएएस के घर पर वो बचपन बिताएगा, तो ऑफकोर्स 15 साल बाद ज़्यादा चांस यही रहेंगे कि आईएएस का बच्चा कुछ जीवन में बेहतर कर रहा होगा, ऊंचा कर रहा होगा, झोपड़ी का बच्चा ज़्यादा ज़्यादा ही मजदूरी कर रहा होगा, संस्कार क्या पड़े उनके और उन संस्कारों को फिर कैसे लिया, मैंने दोनों तरफ का वो होता है कि जब संस्कार पढ़ रहे हैं तो उन संस्कार को कैसे लिया जा रहा है। वो शराबवादी कहानी नहीं सुनी, एक एक शराबी के दो बच्चे थे, ठीक है, अब एक बच्चा जो है आगे चल के शराबी बन गया, दूसरा जो है आगे चल के बहुत अच्छी पथ पे चला गया, दोनों से पूछा गया तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है, दोनों ने कहा हमारा पाप, भैया कैसे, तो जो वो था जो शराबी बन गया था उसने बोला अरे मैं अपने बाप को देखता था और तो वहीं से मैंने देख देख के शराब पीना सीख लिया, और दूसरा बोला कि मैं अपने बाप को देखता था कि शराब पी के इसकी क्या हालत है, तो मेरे दिमाग में यही आ गया कि ऐसा तो नहीं होना है, तो वो भी होता है थोड़ा वहाँ पर भी है, बट वो तो पढ़ते हैं ना संस्कार तो पढ़ते हैं, अब उनको कैसे वो मतलब जिस पर पढ़ रहे हैं वो उसको कैसे ले रहा है वो उसका थोड़ा बहुत मैटर करता है ना, बट अदरवाइज अगर तुम एक एक्सपेरिमेंट करो लाख लोगों पर इस तरह से, तो बहुत कम 1-2% ऐसे आएंगे जो अच्छे परिवार से निकल के बुरे हो गए हों, ज़्यादातर अच्छे ही होंगे, और सिमिलरली इधर भी बुरे परिवार से निकल कर 1-2% ही होंगे जो अच्छे हो गए हों, ज़्यादातर तो उसी तरह के रहेंगे, तभी तो गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है, समझ रहे ना। ठीक है, मीटिंग ख़त्म ही होने वाली है, 54 मिनट हो चुके हैं, इस बार की थोड़ी लंबी चल गई, पता नहीं कैसे, ठीक है, मतलब होने वाली है, चलो कंटिन्यू। ओके, द जीवा और द इंडिविजुअल सोल विद इगोइज्म वांट्स पावर नेम एंड फेम, ऐसा ऐसी आत्मा इसमें इगोइज्म, आत्मा नहीं, जी आत्मा नहीं, जीव बोलो उसको, जीव या फिर जीवात्मा, आत्मा शब्द सावधानी से इस्तेमाल किया करो, ठीक है, वो उसी ग्रुप से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, नेम फेम और पावर चाहती है, इगोइज्म होता है उसके अंदर, और वो पावर मतलब कि दूसरों पे कंट्रोल करना, तब जितने ज़्यादा लोगों को वो कंट्रोल कर सके वो चाहिए होता है उसे, और नेम चाहिए होता है कि मुझे जाने लोग प्रभात प्रभात, और फेम फेम का भी मतलब नेम ही होता है शायद, नाम, हाँ भाई, मान सम्मान,
ताकत ये सब चाहिए होता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि चाहिए क्यों होता है भाई एडवांस, ये जो जीवात्मा है जो अहम है वो क्यों चाहता है? तो बेसिकली मैंने सवाल किया था कि क्यों चाहते हैं यहाँ पे, है ना, कि जो जीव है वो चाहता है नाम सम्मान पावर ताकत, क्यों चाहता है, क्यों चाहता है? चाहता तो है बट क्यों? कि वो अंदर फ्रस्ट्रेटेड होता है और पागल हो रहा होता है, शांत बैठ नहीं पा रहा होता भाई ना, क्योंकि अपने आप में ये खाली होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, तो अपूर्ण अगर है तो पूर्णता मांगे, अगर कोई कोई अगर अपूर्ण है वो पूर्णता मांगता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। बस गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि वो अपने आप को पूर्ण चाहता तो है, नियत अच्छी है, लेकिन कहाँ से मांग रहा है वो पूर्णता? नामों में ढूंढ रहा है, मान में सम्मान में ताकत में। यहाँ जो है वो ये जो है थोड़ा सा सेल्फ डिल्यूजन हो जाता है आगे चल के। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं, बट समझ में आ गया ना क्यों मांगता है। किसी को इसका मतलब पता है? सेल्फ एग्रैंडिसमेंट, एग्रीगेट बनाए क्या? The action or process of prompting oneself or being powerful or important. ठीक है भाई ना, हमें हमें भी भाव दें, ये जो चाहत होती है भाव मिले हमें भी, चार लोगों के बीच में या समाज में या फिर देश में, ऑल दैट पूछने वाला हो हमें, ये जो होती है ना एक चाहत, वो है पूछने वाली चाहत, सेल्फ एग्रैंडाइजमेंट, कि हमें पूछे। पर द एक्शन और प्रोसेस ऑफ प्रॉम्प्टिंग वनसेल्फ फॉर बीइंग इज पावरफुल और इम्पोर्टेंट। ठीक है आगे बढ़े, हाँ कुछ बात बोल रहा था। आपने जो बात कही कि पावर नेम फेम हमें क्यों चाहिए होता है, उसका कारण है कि हमारे अंदर अधूरापन होता है। पर नहीं, हमारे अंदर, हमारे अंदर में ही अधूरापन होता है, हम ही अधूरे होते हैं। पर इसमें एक और चीज़ ये है कि जैसे कि किसी भी हम आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं या फिर हम कहीं पे भी बात करते हैं कि हमें आध्यात्मिक होना है, तो वो ये कहते हैं ज़्यादा ज़रा लोग कि आप कुछ बाहर करके आइए, तो वो ये कि चाहते हैं कि हम कुछ नाम कमा के हैं किसी काम में। इसीलिए नहीं, देखो ये हमारा जो थोड़ी सी जो उथली जो छिछली समझ है उसमें ये होता है कि हमारे हिसाब से एक संसार है एक अध्यात्म है, हमारे लिए दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब अध्यात्म की गहराइयों में जाते हैं तो वहाँ पर ये दो अलग नहीं है। ठीक है, तो जो जो संसार से बच के अध्यात्म में आ रहा है वो कदाचित बहुत ज़्यादा अध्यात्म का भी हुआ नहीं या उसने अध्यात्म का अर्थ समझा नहीं। ठीक है, तो जनरली अध्यात्म को एज आ एस्केप भी यूज किया जाता है कि अरे तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम्हें लगता है चलो अब हम अध्यात्म के लिए। और अध्यात्म तो बड़ा मेहनत का काम है, वहाँ तो अपने खिलाफ लड़ना पड़ता है। अगर तुम संसार में एक छोटी सी चीज प्राप्त करने के लिए जो जरूरी मेहनत है वो नहीं कर पा रहे, तब फिर ये कहना कि तुम अध्यात्म में आके अपने ही खिलाफ लड़ लोगे, वो थोड़ा सा वो संतों को वो बात समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे कर लोगे। जाओ तुम पहले दिखाओ दो कि तुम्हें लड़ने की, तुम्हें जो प्रत्यक्ष ताकतें हैं, प्रत्यक्ष परेशानियां हैं संसार में डिफिकल्टी के, उनके खिलाफ लड़ने की काबिलियत है, अगर वो है तब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है कि चलो भाई तुम लड़ सकते हो, तो अब आओ आओ अब यहाँ पर अध्यात्म है तुम अपने खिलाफ भी लड़ो। तो ज़्यादातर यही होता है कि ज़्यादातर लोग वैसे सोचते हैं ना कि अध्यात्म संसार में कुछ नहीं करना पड़ेगा इसलिए अध्यात्म में चलते हैं, उस चीज़ को चुनौती देनी होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो संसार से विरक्त होके अध्यात्म में आए, वो बहुत कम होता है। विरक्त होके मतलब वो कर तो सकता है चाहे संसार में, लेकिन अब उसे दिखता नहीं कि यहाँ पर कुछ है असली चीज, तो फिर वो बोलता है कि हमें यहाँ जाने नहीं। अधिकांश लोग तो हम जैसे ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं ना अंगूर खट्टे हैं कि मिले नहीं अंगूर इसलिए कहने लगे खट्टे हैं, है ना। तो वैसी बात होती है कि अरे तुमसे हो नहीं रहा है इसीलिए तुम वहां से भाग के इधर पनाह चाहते हो, और अध्यात्म पनाह नहीं है। पर एक और चीज ये भी है कि अध्यात्म की शक्ति नहीं देता बाहर चीजें करने के लिए। हाँ तो वो टू वे रूट है ना भाई ना, हमारे लिए दो सेपरेट चीजें हैं। अदरवाइज तो मैंने उदाहरण दिया था ना, कैसा उदाहरण, ऐसा कि तुम हो एक छोटे बोने आदमी, तुम्हारे सामने आ गया एक बड़ा सा पहलवान,
अब वो तुम्हें कूटे जा रहा है, यू नो, मुक्के मारे जा रहा है, जो मुक्केबाजी में चलता ना, बार मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। तो अब तुम अभी इतने छोटे हो असत फोर्स के सामने कि तुम उस पर पलट के हमला नहीं कर सकते। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि भाई तुम उससे बच के निकलो और किसी शांत जगह पे, एकांत जगह पे जाओ, वहाँ पे जिम में जाओ, सो कॉल्ड जिम में, वहाँ पे मेहनत करो, अपनी डोले सोले बनाओ, बॉडी बनाओ, फिर जाके उससे भिड़ो, है ना। तो ये ट्रेनिंग बोल सकते हो, फिर जो अध्यात्म की पूरी साधना है उसको शॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग बोल सकते हो कि तुम यहाँ मजबूत हुए, जाके काम संसार में करना है। बट यहाँ पे अंतर होता है, एक संसारी संसार में जिस तरह से काम करता है और फिर जो एक आध्यात्मिक आदमी संसार में जिस तरह से काम करता है, उनमें उनकी उद्देश्यों में अंतर होता है। जब संसारी आदमी काम करता है तो वो संसार को भोगने की प्रवृत्ति से काम करता है, जब आध्यात्मिक आदमी संसार में काम करता है तो इसलिए करता है कि संसार में कुछ है जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ काम करता है, ठीक है। तो भले ही दोनों काम संसार में कर रहे हो, और काम तो संसार में ही करना होता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है, एकदम अपोजिट है। और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अब वो जमाने नहीं रहे ना यार, कि तुम एक उसमें गुफा में जाके बैठ जाओ, तुम्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं। वो बहुत वैसी सिचुएशन हो जाती है जब तुम मान के चले हो कि अब संसार में कुछ करने लायक नहीं, संसार में सब ठीक है, अब मैं शांत बैठ। वो स्थिति ना कभी रही है ना कभी होगी, संसार में हमेशा काम रहे हैं ऐसे जो जरूरी है, और जैसे काम जो हम संस्थाओं में जाते हैं तब भी वो काम ही करवाते हैं। तो भाई तो वो ये चीज देखो, हमें क्या लगता है कि हम एक दिन बैठेंगे और हमें एकदम ज्ञान आ जाएगा, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो शारीरिक तल पर भी और ऑफ कोर्स आंतरिक तल पे, मानसिक तल पे भी। और उसमें फिर बचा, अगर हम बच रहे हैं कि हम संसार में काम नहीं करेंगे, तब फिर वो थोड़ा सा हमारे बारे में बताता है कि हम चुनौती उठाने को जरूरी मेहनत है। संसार में काम करेंगे फिर संसार, मतलब फिर वो जो आध्यात्मिक संस्थाएं होती हैं वो बिल्कुल टाइम नहीं देती उस चीज़ को, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक साधना के लिए, वो पूरी तरह से कहती है कि आप काम नहीं लगे रहा आध्यात्मिक साधना कुछ भी हो, तो वो आध्यात्मिक संस्था कैसे हो गई, मतलब दोनों चीज़ों पर ध्यान नहीं। अब ये तो देखो ये हमारी वो है क्या बोलते इसको, एक जो एक उदाहरण याद आता है, हाँ एक उदाहरण आता है, मैंने बोला भी था शायद एक बार, क्या हुआ, एक शिष्य गया एक गुरु के पास, प्रचलित गुरु के पास, और बोला मुझे मुक्ति चाहिए। गुरु जी बोले ठीक है आ जाओ, आ गया वो। अब उस गुरु जी ने उसको बोला चलो यहाँ झाड़ू लगाओ, यहाँ पोछा लगाओ, यहाँ नदी से पानी भर के लाओ, ये काम है तुम्हारा। तो करे जा रहा वो सोचा यार किसी दिन बैठ के शांत बैठाएंगे, कुछ ध्यान व्यान कराएंगे, मुक्ति देंगे, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं। वो हर रोज यही काम किए जा रहा। एक साल बीत गया, परेशान हो गया कि अरे इन्होंने तो कुछ बताया नहीं, ना कोई लेक्चर दिए, ना ये दिए, ना वो दिए। एक दिन बोला कि अगर अब नहीं सिखाया ना तुमने गुरुजी, मुक्ति नहीं दी, तो मैं छोड़ के चला जाऊँ। ठीक है तो तुम कल आना नहा के, तो मैं मुक्ति देता हूँ, ठीक। तो फिर अब वो उसको तुम गलत समझ सकते हो, उसमें होता क्या है आगे, उसमें ये होता है कि अगले दिन जब वो नहा के आता है तो गुरुजी एक पेड़ को पकड़ के खड़े होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं अरे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे इस पेड़ ने पकड़ रखा है। वो बोलता है गुरुजी सटिया गए होगा, पेड़ ने तुम्हें पकड़ रखा है कि तुमने पेड़ को पकड़ रखा है। तो गुरुजी बोलते यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बंधन को तुमने पकड़ रखा है कि बंधन ने तुम्हें पकड़ रखा है जिससे तुम्हें मुक्ति चाहिए। नहीं भी बात यह है कि जब वो पानी भर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, तो वो एक सेंस में आध्यात्मिक काम ही है। हमारी छवि है कि शांत बैठना और सांसों पर ध्यान देना, सिर्फ ये आध्यात्मिक काम है, नहीं आध्यात्मिक काम वो भी है जब ये मैं नहीं कह रहा कि वही आध्यात्मिक काम, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों एक साथ चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। हाँ, काम की और सांस पर ध्यान या फिर प्राणायाम या आसन, ये बात है। जैसे देखो इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव बात भी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो यू नो जो आध्यात्मिक विकास है वो काम के बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो काम को आध्यात्मिक साधना की तरह ले पाते। कुछ हैं हमें जैसे लोग जो उतना नहीं ले पाते थे, जो काम कर रहे हैं उसको आध्यात्मिक साधना माने, उसका फायदा भी उन्हें और देर नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली जो फिर करना होता है वो वैसा हो जाता है कि अलग अलग लोगों की प्रवृत्ति के हिसाब से वो उसे काम करने के साथ में उसका आत्मविकास हो रहा है कि नहीं, वो देख के फिर उसको बोला जाता है कि भाई तुम इतना काम करो, इतना देर ध्यान कर लो या प्राणायाम कर लो। हटे कुछ होते हैं जिनको
शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो काम में ही वो फायदा ले पा रहे हैं जो अदरवाइज परिणाम प्राणायाम या आदत और चीजें करके लेते, तो वो बहुत ज्यादा फिर इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअल चीजें हो जाती है, ठीक है, वो वैसी बात हर व्यक्ति पे डिपेंड करेगी। हाँ यार, वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव चीज हो जाती है, वो देखना पड़ता है कि किसकी कैसी रिक्वायरमेंट है, वो तो वैसे ही बात हो गई ना कि क्या किसकी क्या बीमारी है और फिर उसको उस हिसाब से इलाज या दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। दिस इज फॉर सेल्फ एग्रैंडाइजमेंट, मतलब खुद को नाम फेम वगैरह कमाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा हूँ, ऐसा ही मतलब था इसका, राइट? हाँ, यस। एक्सप्लॉइटेशन इज ग्रीड, एक्सप्लॉइटेशन इज ग्रीड, जो दूसरे का शोषण करना ग्रीड है। बेसिकली भाई उसी सेंस में कहा जा रहा है कि हम कुछ चाहते हैं अपनी लालसाओं की, अपने लालच की, अपने ग्रीड की पूर्ति करना चाहते हैं, उसके लिए फिर दूसरों का शोषण करते हैं या उनसे छीनते हैं, व्हाटएवर। इट इज द एक्ट ऑफ यूजिंग फॉर सेल्फिश पर्पसेस, ये खुद के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए कर्म है। डोमिनियरिंग इज टू कमांड हॉर्टिली, डोमिनेटिंग मतलब दूसरों को नहीं पता इसका क्या मतलब है भाई, हॉर्टिली मतलब बहुत, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता पर जो मन में आ रहा है वो। डोमिनेटिंग तो डोमिनेट करना टाइप लग रहा है, और हॉर्टिली मतलब कि बहुत बेहूदी या फिर ऐसे ही। हाँ, ये डोमिनेटिंग मतलब होता है सशक्त व्यक्तित्व का स्वामी और लोगों पर हुकुम चलाने वाला निरंकुश प्रभावी, जैसे होता है हिटलर, हिटलर टाइप का व्यक्ति। और हॉर्टली, हॉर्टली भी देखते हैं कहाँ गया, हॉर्टली घमंड से, हाँ वही लगा था, हाँ घमंड से, घमंड से वो डोमिनेट कर रहा है लोगों को, कमांड कर रहे हैं कि हाँ ये कर दो। तो बता इसका मतलब, डोमिनेटिंग इज टू कमांड हॉटली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हिटलर टाइप का व्यक्ति है वो दूसरों को घमंड से कंट्रोल करता है, कमांड देता है, है ना सुनील? ठीक है सुनील, तू ही लेगा जीवा, द जीवा से? नहीं नहीं, मनु मनु प्रीति आ जाओ। क्या मैं तो वैसे ये बोल रहा था पूरा पैराग्राफ करने दो, बट ठीक है अभी हम स्विच कर रहे हैं फिर बात, क्योंकि टाइम शायद हमारे पास ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, समय प्रभात आ गए, द जीवा वांट्स टू एक्सरसाइज, क्या ठीक है? हाँ प्रभात, ठीक है ठीक है, the jiva wants to exercise power over others, जो जीवात्मा है वो दूसरों पे अपनी पावर का एक्सरसाइज करना चाहती है कि वो अपना काम निकाल सके दूसरों से। दिस इज जीव भावना, इस जीवात्मा की भावना है, ठीक है, वो चाहता ही है। The root cause for industries, business, commerce, etc. is greed and self-preservation. ठीक है। जो जो industries हैं और जो भी ये business और दुकानें, दुकानदारी, ये सब जो भी चल रहा है commerce, इसका कारण है greed. Greed मतलब लालच, पैसे कमाने की इच्छा, हाँ। बहुत ज़्यादा पकड़ने की इच्छा, परिग्रह and self-preservation. अपरिग्रह का उल्टा, और सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब है कि खुद को बचाने की इच्छा, जीवेश्वर। इफ यू वांट टू हैव कांस्टेंट ब्रह्म भावना, यू विल हैव टू गिव अप एक्सप्लॉइटेशन एंड डोमिनियरिंग। अगर आप ब्रह्म भावना हमेशा हमेशा चाहते हैं तो आपको दूसरों को एक्सप्लॉइट करना बंद करना होगा और डोमिनेट करना बंद करना होगा, मतलब दूसरों पर काबू करने की इच्छा को खत्म करना होगा।
there is another third instinct, which is the herding instinct, the instinct for company. एक तीसरी इंस्टिंक्ट होती है जो कि कंपनी की इंस्टिंक्ट होती है, मतलब कि उसके पास आसपास लोग रहे, अकेले नहीं रह पाता. वुमेन टेक डिलाइट इन द कंपनी ऑफ मैन, स्त्रियों को पुरुषों की कंपनी में मज़ा आता है. मैन टेक डिलाइट इन द कंपनी ऑफ वुमेन, पुरुषों को स्त्रियों की कंपनी में मज़ा आता है. द रूट कॉज फॉर दिस इज रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट, इसका रूट कॉज, इसका मूल कारण है बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी. अनदर रीजन इज दैट ए वीक मैन गेन्स स्ट्रेंथ इन द कंपनी ऑफ ए स्ट्रांग मैन, एक और रीजन है कि एक कमजोर व्यक्ति एक ताकतवर व्यक्ति के साथ में ताकत प्राप्त करता है. बट ए मैन हु वांट्स टू रियलाइज गॉड शुड शन रेथलेसली कंपनी, पर्टिकुलरली द कंपनी ऑफ वुमेन एंड वर्ल्डली माइंडेड पर्सन्स. पर ऐसे व्यक्ति जिसे भगवान को प्राप्त करना है, उसे हर तरह की कंपनी को, हर तरह के साथ को छोड़ देना चाहिए. और उसमें भी जो जो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए वो है स्त्रियों की कंपनी और सांसारिक व्यक्तियों की कंपनी, उसे अकेला रहना चाहिए. मैं यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट्री देना चाहूँगा, थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा कि देखो, मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जो देखा है, जहाँ तक बात है कंपनी ऑफ वुमेन और वर्ल्डली माइंडेड यू नो थिंक की ओर अट्रैक्ट होने की या उनकी कंपनी यू नो पाने की इच्छा होने की, उसका जो मैंने कारण देखा है, मैंने थोड़ा सा जो डीपर लेवल पर देखा है, उसमें क्या है कि जब हम सॉर्ट ऑफ कहो कि जब एक इंसान मतलब आदमी जब एक औरत की कंपनी चाहता है या औरत जो है वो इंसान की कंपनी चाहता है, तो वास्तव में यहाँ पर जो बात है वो सिर्फ इसकी नहीं हो रही है कि एक फिजिकल जो कि एक मेल है वो फीमेल की कंपनी चाह रहा है, सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात उससे भी गहरी है. बात क्या है कि जो इंसान के अंदर जो एक इंस्टिंक्ट है कि एक अपोजिट जेंडर से जुड़ जाने की, तो वो उस टेंडेंसी को पूरा करना चाहता है, समझ रहे ना. तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है. हाँ बोलो बोलो. वो जो टेंडेंसी है वो आप इस सेंस में नहीं कह रहे कि वो रिप्रोडक्टिव की बात नहीं कर रहे आप यहाँ पे. नहीं, रिप्रोडक्टिव है. नहीं, रिप्रोडक्टिव बिल्कुल है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतना काफ़ी नहीं है कि तुम सिर्फ फिजिकली किसी अपोजिट जेंडर से दूर रहते हो या उससे दूरी बना सकते हो, इतना काफ़ी नहीं है. क्यों? क्योंकि जो चीज़ जो तुम्हें उनकी वो ले जाती है अदरवाइज वो इंटरनल है. तो अगर तुम इंटरनली उन्हीं इंस्टिंक्ट को, उन्हीं टेंडेंसीज को पाल रहे हो जो कि फिजिकली तुम्हें एक अपोजिट जेंडर की तरफ खींचती है, तो भले ही तुम फिजिकली किसी की ओर ना जा रहे हो, भले ही तुम फिजिकली बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा ना करना चाहते हो, क्योंकि बहुत अंतर नहीं है सांसारिक उपलब्धियों को पाने में या फिर एक अपोजिट जेंडर की तरफ जाने में. क्यों? क्योंकि दोनों की इंस्टिंक्ट तो सेम ही है ना. वही इंस्टिंक्ट है जो किसी दूसरी अपोजिट जेंडर में सुख ढूंढती है या दूसरी सांसारिक चीज़ों में ढूंढती है. तो अगर हम आंतरिक रूप से भी अगर उन टेंडेंसी की पूर्ति किए जा रहे हैं बोल दो, हम फिजिकली दूर हैं अपोजिट जेंडर से, फिर भी मतलब उस स्थिति में भी हम बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहे. हम ये कहते फिरेंगे कि अरे हम तो लड़कों से दूर रहते हैं, या लड़कियाँ कहेंगे हम लड़कों से दूर रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन टेंडेंसीज को किसी और रूप में या इन कुछ करके उनको पाल रही हैं. तो फिर वो बात बनी नहीं. यहाँ पर जो वो बात कही जा रही है वो उस लेवल पर कही जा रही है. हम सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि हम तो औरतों से दूर रहते हैं इसलिए हम बहुत पाक साफ हैं, ब्रह्मचारी है ना, सिर्फ उसमें से काम नहीं चलेगा. ये बात हो रही है टेंडेंसी के लेवल पे कि तुम उस टेंडेंसी क्या सांसारिक हर वृत्ति को हटा के उसे आंतरिक तौर पे, जिसे आप भगवान कहते हैं या फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वहाँ पे लगाने की बात कर रहे हो. हटाने की बात नहीं मैं कर रहा, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, तो बहुत जनरिक नहीं उदाहरण, जैसे परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस, तो वो फिजिकली अपनी मतलब माँ शारदा के साथ थे मतलब साथ नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी वो इंस्टिंक्ट को नहीं पाल रहे थे, है ना. तो ये बिल्कुल हो सकता है कि तुम फिजिकली दूर रहो, और हो सकता है कि तुम अंदर से बिल्कुल भी ब्रह्मचारी ना हो, और बहुत बहुत रेयर केस में ये हो सकता है कि तुम फिजिकली किसी के साथ रहो
बट फिर भी तुम ब्रह्मचारी रहो। लेकिन ये जो दूसरा केस है इसके उदाहरण ऑफकोर्स बहुत कम मिलते हैं, समझ रहे। तो अच्छी बात तो है कि तुम दूर हो, लेकिन फिर तो दूर होना काफी नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, मतलब मन से भी दूर होना। हाँ वही ना, कौन सा अभी यार कौन सा दोहा, कबीरदास जी का दोहा सुन रहा था मैं, तन को जोगी सब करे मन को करे ना कोई, पता नहीं सर्व क्या है, सर्व जग ही पाइए जो मन जोगी हो, ऐसा कुछ था कि तन को जोगी। अब ये सब तन को जोगी करना ही है कि हम दूसरों यू नो अपोजिट जेंडर से दूर रहते हैं या ऐसा नहीं करते, भोग नहीं करते, सारे ठीक है वो कर लेते हैं यार। लेकिन असली जोगी तो वो है, असली योगी तो वो है जो मन को जोगी करे, मतलब मन को उन चीजों की आसक्ति से मुक्त कर ले, है ना। और फिर जो ऐसा कर लेता है उसको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ समझ रहे ना, उस रूप उस सेंस में कि उसको तृप्ति मिल जाती है, उस सेंस में कि सब कुछ मिल जाता है। तो वो है मतलब कहने का ये है कि हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए कि अरे हम इससे दूर है, इससे दूर है, रहो दूर अच्छी बात, लेकिन वो चीज एक ऐसी हो जानी चाहिए कि वो सहज ही है। उस चीज पर हमें बहुत ज्यादा मेटिकुलस प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य अपोजिट जेंडर से दूर रहना, और आज मैंने इसलिए ये किया ये कि आज मैं अपोजिट, हर दिन की उपलब्धि तुम गिना रहे हो कि देख लो मैं आज अपोजिट जेंडर से दूर रहा या सेक्सुअल डिजायर से दूर रहा। ये तुम्हारी उपलब्धि एक सेंस में हो सकती है, लेकिन असली उपलब्धि तो ये होती है कि तुम ये कहते कि भाई मैं इधर मेरा मन पूरा इधर लगा था यू नो यूं कहें आत्मा के विचार में लगा था, ब्रह्म विचार में लगा था, कि तुम्हें ख्याल भी नहीं आया कि मुझे किससे दूर रहना है और किससे पास रहना है, है ना। तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, एक एक और दो फायदे दोनों के हैं, लेकिन वो बेटर एटीट्यूड होता है जहाँ पर तुम ये कहो कि मैं तो आत्म विचार में ही इतना खोया रहता हूँ, यार यूं कहें उसको सांसारिक शब्दों में कह सकते हैं कि मैं तो सही काम में इतना खोया रहता हूँ कि मुझे तो ख्याल ही नहीं आता कि मुझे लड़कियों से दूर रहना है कि पास रहना है, पता भी नहीं अगर कोई बगल से निकल गई तो, या मैंने किसी से बात भी कर ली तो, क्योंकि अगर हम दूर रहने का सोच भी नहीं तब भी वो ख्याल में आ रही है। हाँ वही ना, क्योंकि हम जब दूर होने का मेटिकुलस प्लानिंग कर रहे हैं तो हम बेसिकली अटैच्ड ही हैं उसी चीज से, है ना। एनीवे पढ़ते हैं आगे, ठीक है। ही शुड लिव अलोन, उसे अकेले रहना चाहिए। देन ही विल बिकम वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग, तब वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही स्ट्रांग, मतलब और बेहतर स्ट्रांग हो जाएगा। He will develop a strong individuality, मतलब उसकी एक अकेले का बल होगा जो कि भीड़ से अलग होगा, मतलब वो भीड़ का हिस्सा ना हो कि एक अलग ही उसका व्यक्तित्व निर्माण होगा अगर वो अकेले रहता है। One will find difficulty in the beginning in the practice of living alone. शुरू में व्यक्ति को मुश्किलें आएंगी अकेले रहने में। Fear will come in, डर लगेगा। You will have to overcome all difficulties one by one if you want to attain immortality, अमृतत्व। अगर अमृतत्व को पाना है, अमृत को पाना है, तो एक एक करके हमें सारी की सारी मुश्किलों को पार करना पड़ेगा। जैसे सुमित भी कह रहे थे कि हर्डल रेस एक एक करके क्रॉस करना पड़ता है। द रिवॉर्ड इज वेरी ग्रेट, ब्रह्म विद परम पनौती, प्राप्त नौती होना क्या होता है, ये होता है ना, ब्रह्म में वित प्राप्त नौती, पता नहीं ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है ऐसा कुछ। द लोअर ऑफ ब्राह्मण गेट्स द हाईएस्ट, परम दूसरे शब्दों में भी कहा गया है इसको, एक और जगह कहा गया ना इनोवर ऑफ ब्रह्म भगवती, हां ब्रह्म में ब्राह्मण ऐसा है, हां वही तो है। तो इसका रिवॉर्ड बहुत ही, इसका जो गिफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महान है, जो कि ब्रह्म को जानना है, जो कि बहुत सबसे बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पर हमें ना थोड़ा अगला स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक अगला, ये लास्ट में ये शब्द लिखा हुआ है, अमृतमस्नुते, ही ड्रिंक्स द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, वो अमृत का झरना पीता है। कहने के लिए हर जगह कहा जाता है कि वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वो आत्मा को जान जाता है, ये अब बातें कहने के लिए ऐसी बोलनी पड़ती हैं, अदरवाइज तो आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, उसे कुछ जान ही नहीं सकता। तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग वही होता है क्या, नीति नीति, कि जो आत्मा नहीं है उसको जान लेना होता है,
ठीक है, तो ये शब्दों के नहीं पढ़ना होता, हमें ये नहीं सोचना है कि एक दिन हम जान जाएंगे कि ब्रह्म क्या है, एक दिन हम ये जान जाएंगे कि ब्रह्म क्या नहीं है, और वो उससे आशा नहीं करेंगे कि इससे हमें तृप्ति मिले। ये है ब्रह्म को जानना एक तरह से, क्योंकि ब्रह्म को एक सेंस में नहीं जाना जाता, लेकिन क्योंकि हम थोड़े वैसे लोग हैं जिन्हें आशा पसंद आती, कोई निराशा की बात करेगा तो हम दुखी हो जाते हैं, इसीलिए फिर ये कहने के बजाय नीति नीति कि ये देखो कि क्या क्या ब्रह्म नहीं है, साथ में ऋषियों ने भी कह दिया कि तुम ब्रह्म को जान जाओगे, और तो जाना नहीं जाता है ना, तो वो सिर्फ एक तरीके के तौर पर उन्होंने ये कहा है। ठीक है, ठीक है, अब कौन करेगा, मतलब ठीक है, जो बुद्ध ने जो बात की थी नथिंगनेस की, हाँ हाँ वो वही है ना कि जो है संसार जो है वो ब्रह्म नहीं है, संसार में तुम आत्मा नहीं तुम्हें मिल जाएगी, है ना, इसीलिए वो उन्होंने कहा कि आत्मा नहीं है, मतलब उस सेंस में आत्मा नहीं है, तुम्हें लगता है कि यहाँ आत्मा है वहाँ आत्मा है या हमारे भीतर आत्मा है, वहाँ कुछ आत्मा नहीं, आत्मा जैसा कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने कहा ना आत्मा नहीं है आत्मा को। उन्होंने यहाँ पे जो लिखा है ना वो उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा पैसिव लग रहा होता है, उसमें ऐसा लग रहा होता है कि यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग हैं ऐसे, अरे हमें कोई आशा की गुट्टी पिलाता रहे, अरे एकदम सही होने वाला, सब पॉजिटिव बना के रखे, हम जो निराशा वाली जो चीज़ है, निराशा उस सेंस में नहीं कि तुम दुखी हो, नहीं, निराशा होना मतलब दुखी नहीं, जो निराशा वाली जो रास्ता है वो हमें समझ में नहीं आता, निराशा मतलब ये जानना कि हाँ भाई ये जान, निराशा मतलब क्या है, ये जानना कि सब्जी की दुकान पर तुम्हें मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा, और मोबाइल फ़ोन की दुकान पर तुम्हें लेट से ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, है कि नहीं, तो इसको मैं बोल रहा हूँ निराशा, जहाँ से जो नहीं मिलता वो जान लें, अभी हम आशा में रहते हैं कि अरे मैं घर खरीद लूँ तो मैं सुखी हो जाऊँगा, अरे मैं गाड़ी खरीद लूँ सुखी हो जाऊँगा, अरे फलाना लड़के का की शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा, ये आशावादी सोच है, इसीलिए कहते हैं कि नहीं आशावादी नहीं निराशावादी हो, निराशावादी इन द सेंस ये जानो कि यहाँ ये नहीं मिलेगा, यहाँ भी ये नहीं मिलेगा, यहाँ भी ये नहीं मिलेगा, तो वो निराशावादी सोच हमें लगता है निराशा मतलब दुखी दुखी होना, तो इसीलिए वो निराशावादी जो तरीका है, जो नीति नीति का जो तरीका है वो लोगों को पसंद नहीं आता, बहुत साधारण लोगों को, इसीलिए फिर उनके लिए ये सब कहा जाता है कि अरे तुम आत्मा को जान लोगे तो ये है वो है, कितने गुणगान किए गए, इसीलिए उसको कितने नाम दिए गए, सर्व आनंदमय ये है वो, जैसे हम जानते ही उसको, जबकि उसको जाना जा नहीं जा सकता, तो वो उसी पर उसमें आनंद तो प्राप्त होता है जो कि नीचे वाली चीजों को छुआ देते हैं, ऐसा आपकी आवाज कट रही है, आवाज सही आ रही है, आवाज कट रही है उसकी, सुमित भैया उसकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही है, ठीक है तुम कंटिन्यू करो, अब आगे मैं क्या कह रहा हूँ, 10 मिनट अभी थोड़ी देर बाद फिर से मीटिंग चली जाएगी, ठीक है 8 मिनट बाद, हाँ ठीक है, हम एक और सेशन कर सकते हैं, हमारी मेरी लाइट भी आ गई, तो हाँ ठीक है ना, तू फिर तू करना इंपल्स से, हाँ हाँ इंपल्स, ठीक है इम्पल्सेस जो वृत्तियाँ जो हमें पागल बनाती हैं, एन इम्पल्स इज ए सडन प्रोपेलिंग फोर्स, एक इम्पल्स जो है वो अचानक से आने वाली एक बहुत ही फोर्सफुल चीज़ है जो कि हमें कर्म की ओर प्रवृत्त करती है, देर आर थ्री काइंड ऑफ इम्पल्सेस, विज इम्पल्सेस ऑफ थॉट स्पीच एंड एक्शन, तीन तरह की इम्पल्सेस होती हैं, सोच हमें जो सोचवाती हैं और हमसे जो बुलवाती हैं और जो हमसे कर्म करवाती हैं, मौन साइलेंस चेक्स द इम्पल्स ऑफ स्पीच, बोलने की जो पागल प्रवृत्ति है उसको मौन चेक कर देता है, मतलब रोक देता है या शांत कर, मतलब हम उसको रोक पाते हैं, मेडिटेशन चेक्स द इम्पल्स ऑफ रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग एक्शन, ध्यान गलत विचार और गलत कर्म को रोकने में मदद कर सकता है या फिर करता है, चेक्स मतलब कि हम उसको देख पाते हैं,
और हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, मतलब आप पढ़ोगे यहाँ से? हाँ, यहाँ से कुछ चेक माना, मतलब भाई निरीक्षण करना, निरीक्षक होते ना चेक करने वाले, फिर जैसे सुनील आ जाएगा सुनील ले लेगा। ठीक है, मैं हूँ भाई, आ जाऊँगा। मतलब क्या मतलब, तू पढ़ाना शुरू करेगा ना फिर? ठीक, तो यहाँ से देर आर टू इम्पॉर्टेंट इम्पल्सेस, दे आर द सेक्स इम्पल्सेस एंड द इम्पल्स ऑफ स्पीच। दो खतरनाक और इम्पॉर्टेंट इम्पल्सेस होती हैं, पहली होती है सेक्स इम्पल्स और इम्पल्स ऑफ स्पीच। देर इज अ इंटीमेट रिलेशन बिटवीन इम्पल्स ऑफ इम्पल्स एंड इमेजिनेशन। यहाँ पे बहुत ही गहरा संबंध होता है इम्पल्स एंड इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन इंड्यूसेस द इम्पल्सेस, इमेजिनेशन इंड्यूसेस द इम्पल्सेस, इमेजिनेशन इंड्यूसेस द इम्पल्सेस। इसमें कौन क्लैरिफिकेशन देगा? इमेजिनेशन इंड्यूसेस द इम्पल्स, मतलब कि जो हमारे जो भी हमारे मन में हम जो भी इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, हाँ मतलब जो पिक्चर्स हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, उसी हिसाब से कोई पकड़ के हमारे अंदर कोई फोर्स एकदम से आ जाती है जो कि हमसे कुछ करवा देती है, बुलवा देती है या सोचवा देती है। इंड्यूसेस, एग्जैक्टली इंड्यूसेस मतलब क्या होता है? मतलब इंड्यूसेस मतलब समझ में तो आ रहा है, मतलब उसको एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा। एक्सप्लेन करना तो आ रहा है पर उसको एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलेंगे वो समझ में नहीं आ रहा। इंडक्शन मोटर ठीक है। इम्पल्सिस मस्ट बी कंट्रोल्ड बाई रीजन्स एंड विल एंड मेडिटेशन ऑन गॉड। इम्पल्सिस मस्ट बी कंट्रोल्ड बाई रीजन, जो इम्पल्सिस होती हैं उनको रीजन से कंट्रोल करना चाहिए। रीजन्स बेसिकली बुद्धि, एंड विल एंड मेडिटेशन ऑन गॉड, मतलब जो इम्पल्सिस होती हैं उनको रीजन से, विल से एंड मेडिटेशन से कंट्रोल करना है ना। इमोशंस, एन इमोशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थाट एंड डिज़ायर। जो इमोशन होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं थाट एंड डिज़ायर के। एवरी आइडिया इज चार्ज विथ इमोशन, जो हर आइडिया जो होता है वो चार्ज होता है इमोशन से। इमोशंस आर डिज़ायर्स विच आर पेनिट्रेटेड बाई थाट एलिमेंट। इमोशंस आर डिज़ायर्स विच आर पेनिट्रेटेड बाई द थाट एलिमेंट। इमोशंस आर द डिज़ायर्स, इमोशंस वो डिज़ायर्स होती हैं विच आर पेनिट्रेटेड, जो कि पेनिट्रेट की जाती हैं बाय थॉट एलिमेंट। इसमें थॉट एलिमेंट मतलब जो हमारे विचार होते हैं बेसिकली, है ना, जो हमारे विचार चल रहे होते हैं उनसे तो इमोशंस निकलते हैं। क्या डिजायर्स और इमोशंस में कोई फर्क होता है? हाँ, डिजायर्स का कॉम्बिनेशन, डिजायर्स कंबाइंड हो गई तो इमोशंस बनती है ना। मतलब इमोशंस, जैसे किसी को गुस्से का इमोशन आ रहा है और गुस्से के इमोशन, है ना सुनील, बेसिकली दोनों थॉट्स ही हैं। ठीक है, दोनों थॉट्स ही हैं बट वो अलग अलग सॉर्ट ऑफ रियल के हैं। डिजायर और इमोशंस दोनों बने काय से हैं, किस मिट्टी से? थॉट मिट्टी, विचारों का ही, बट उनका जो प्रकटीकरण है वो अलग अलग रूपों में होता है। इमोशंस में हमारे सो कॉल्ड हाव भाव अलग तरह के होते हैं, उसमें हमारा जो लहजा होता है, जो प्रकटीकरण या इवन मानसिक प्रकटीकरण हमारे उस समय जो दिमाग में चल रहा होता है वो अलग, वो है थॉट्स ही, बट उनका जो ऐसा ही है ना यार कि तुम चावल लेके एक ने बना दिया डोसा और एक ने बना दिया उपमा और क्या बनता है चावल का जो भी इडली, तो दोनों चावल से ही बने हैं, बस हैं अलग अलग, है ना। तो इंग्रेडिएंट जो है वो दोनों के थॉट्स ही हैं, समझ रहे? अच्छा, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, तो ठीक है, तो पढ़ेगा तू या फिर कोई और? नहीं नहीं, तुम ही करो। ठीक है, यहाँ पे थे अपन। इन अदर वर्ड्स, इमोशन इज डिज़ायर। दूसरे शब्दों में इमोशन ही डिज़ायर है। इमोशन इज डिज़ायर मिंगल विथ थॉट। इमोशन इज डिज़ायर मिंगल विथ थॉट। इमोशन जो है वो डिज़ायर है मिंगल, यानी मिली हुई है थॉट के साथ। द वाइब्रेशन ऑफ, जैसे मैं कुछ गलत करूँ ना मुझे बताना, ठीक है? द वाइब्रेशंस ऑफ इमोशन, ठीक है, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जो हम इमोशंस को सो कॉल्ड यू नो वो कर समझते हैं कि कुछ अलग,
तो यहाँ पर हमें समझना है कि क्या है कि एक सूक्ष्म डिजायर ही है जो इमोशंस भी है ना, और वो प्रकट नहीं होती कि यहाँ पर मांगा क्या जा रहा है, बट वो एक एक सटल डिजायर ही है, वहाँ पर चीज मांगी जा रही है बट सटल डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा है, डायरेक्टली सटल रूप में कहा जा रहा है। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि वो कुछ नहीं है, सिर्फ थॉट है, ठीक है, और थॉट तो हर थॉट के पीछे जो उद्देश्य होता है सटल लेवल पे, तो इमोशंस भी, और इमोशंस क्यों कब है, एक उनका एक ऑब्जेक्ट होता है, किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी इंसान के प्रति, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के प्रति उठती है, वो अपने आप में ऐसे नहीं है, यू नो दे डजंट कम जस्ट इन वैक्यूम। तो हम भी जब खुद अकेले में भी अगर इमोशनल हो रहे हैं तो किसी बात को, किसी व्यक्ति को सोच के उस बारे में इमोशंस, यू नो इमोशनल हो रहे होते हैं, तो उनका एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है, एक विषय वस्तु है, और इसीलिए फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ डिजायर इंक्लूडेड है उसमें, इमोशन। द वाइब्रेशंस ऑफ इमोशंस विल अराउज कॉरस्पॉन्डिंग एक्साइटमेंट इन प्योरली मेंटल मैटर एंड ऑल द मेंस थॉट्स विल बी डिस्टर्ब्ड एंड डिस्टॉर्टेड। द वाइब्रेशंस ऑफ इमोशंस विल अराउज कॉरस्पॉन्डिंग, जो वाइब्रेशंस होते हैं इमोशन के विल अराउज कॉरस्पॉन्डिंग एक्साइटमेंट इन प्योरली मेंटल मैटर। तो ये जो टोटल, ये जो इमोशंस होते हैं, ये टोटल जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं एक्साइटमेंट इन प्योरली मेंटल मैटर। तो जो एक्साइटमेंट हो रहा होता है प्योरली मेंटली होता, मेंटल लेवल पे हो रहा होता है। एंड ऑल द मेंस थॉट विल बी डिस्टर्ब एंड डिस्टॉर्टेड। तो एंड जो सारे के सारे जो मेंस के, जो मनुष्य के जो विचार होते हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, और डिस्टॉर्टेड मतलब छिन्न भिन्न, अनकॉन्सेंट्रेटेड जो होते हैं, डिस्टॉर्टेड जो होते हैं, डिस्टॉर्ट होता है जो, मतलब फोकस नहीं, डिस्टॉर्ट फैले हुए है ना। Do you want to add something? हाँ, यही कह रहा था कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है, यहाँ पर देखो जब बोला जा रहा है कि in all men's thought will be disturbed and distorted, यहाँ पर जो बोला जा रहा है men's thoughts, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो सही विचार है, जो सात्विक thought उनकी बात हुई, ठीक। तो ऐसा है कि एक झील है जहाँ पर सब शांत है, एकदम शांत है ना, सात्विक thought से सब शांत, जैसे किसी ने उसमें एक पत्थर फेंक दिया तो फिर जो तरंग नहीं उठी वो इमोशंस, और उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, तो वो जो वाइब्रेशन शब्द है वो ऐसे समझ कि जो भावनाओं की जो तरंग उठती है वो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग, जो सतोगुणी विचार हैं उनको डिस्टर्ब एंड डिस्टॉर्ट कर देती है, ठीक है। देयर इज इमोशन डिजायर, देयर इज इमोशन फीलिंग आल्सो, इफ द डिजायर एलिमेंट इज प्रेडोमिनेंट इट इज़ इमोशन डिज़ायर। अगर यहाँ पे डिज़ायर एलिमेंट जो है वो प्रिडोमिनेंट है, मतलब प्रभावी है, ज़्यादा प्रभावी है, इट इज़ अ इमोशन डिज़ायर। ये क्या है सुमित? सुनील, डिजायर एलिमेंट क्या होता है? करते रहे ऐसा, जब डिजायर जो इमोशंस है उसकी कोई थोड़ी सी व्यक्ति या थोड़ी रिलेटिवली स्थूल कुछ इच्छा है कि ऐसा कुछ मिल जाए किसी चीज़ के प्रति, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरी एक स्कूटर थी, ठीक है, अब वो हो गई चोरी, ठीक है, मैं उसको बहुत पसंद करता था अपनी स्कूटर, ठीक है, अब जब भी मैं उसी ब्रांड की स्कूटर, उसी कलर की स्कूटर रोड पर देखता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो चाहत है कि अरे मुझे वही स्कूटर चाहिए, वहाँ पर डिजायर एकदम क्लियरली दिख रही है ना, उसको बोला जा रहा है इमोशन डिजायर, समझ रहे हैं कि वहाँ पर एक चाहत है कि अरे ये चीज़ें चाहिए, तो इमोशनल चार्ज फिल्ड विद अ डिजायर टुवर्ड समथिंग ऑब्जेक्ट और पर्सन। तो यहाँ पर जो दूसरा है इमोशन फीलिंग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी बात हो रही है कैसी कि मुझे मेरी मोटरसाइकिल मिली हुई है, ठीक है, अब मैं उसी से अपनी स्कूटर से चिपका रहता हूँ, उसी को साफ किए रहता हूँ, बहुत इमोशनल है वो, तो मेरे पास है वो, लेकिन मैं उसी के प्रति इमोशनल हूँ और उसी पर बैठा रहता हूँ, उसी को यू नो घूमता रहता हूँ, उसी के साथ, उसको छोड़ना नहीं चाहता, पार्किंग में नहीं लगा सकता है ना, तो वहाँ पर चाहत नहीं है कि मुझे स्कूटर मिल जाए, स्कूटर है बट फिर भी उसके प्रति एक फीलिंग है, समझ रहे, तो वो है इमोशन फीलिंग। इफ द डिजायर एलिमेंट इज प्रोमिनेंट, इसमें डिजायर एलिमेंट मतलब जो पहला वाला केस था, हाँ पहला वाला, इट इज इमोशन डिजायर, इफ द प्लेजर एलिमेंट इज प्रोमिनेंट इट इज अ इमोशन फीलिंग। मतलब कि डिज़ायर एलिमेंट प्रोमिनेंट है, मतलब कि वो हमें चीज़ चाहिए, वो
प्रोमिनेंट है, और इमोशन फीलिंग का मतलब है कि उस चीज़ में जिस उस चीज़ में से जो हमें मजा आने वाला है वो प्रोमिनेंट एलिमेंट चाहे बाहर में। इवन मजा का उल्टा भी हो सकता है, हाँ किसी के प्रति मान लो शत्रुता है तो हम उसी को लेके यू नो नेगेटिव रूप में इमोशनल हो जा रहे हैं कि उसका बुरा करना ऐसा करना वो करना, तो वो भी वही है प्लेजर या यू नो हेट्रेड, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू। वो इमोशन फीलिंग में जाएगा हेट्रेड वाला भी और सारे के सारे वो लव अफेक्शन वगैरह भी, है ना। हेलो लव अफेक्शन आवाज़ आ रही है? राग एंड द्वेष, लव एंड हेट्रेड आर टू इम्पॉर्टेंट इमोशंस ऑफ द माइंड एंड ऑल डिफरेंट इमोशंस कैन बी क्लासिफाइड अंडर दिस टू हेडिंग्स। जो राग द्वेष होते हैं टू इम्पॉर्टेंट इमोशंस होते हैं और माइंड के सभी डिफरेंट इमोशंस को इन दो के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है। किन दो के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है? लव एंड हेट्रेड के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है। वंडर इज़ अ कंपाउंड इमोशन, वंडर इज़ अ कंपाउंड इमोशन। जो वंडर है एक मिला जुला इमोशन है, वंडर मतलब आश्चर्य, इट इज़ एडमायरेशन एंड फियर कम्बाइंड। तो वंडर जो है कंपाउंड इमोशन है। अब कंपाउंड मतलब किन्हीं दो चीज़ों से मिल रहा होगा क्या इसमें? यहाँ पे राग को लव कहा गया है, पर लव एक अलग, हाँ भाई ना यहाँ पर जो लव कहा गया है वो इस राग के सेंस में ही कहा गया, यहाँ पॉजिटिव सेंस में मतलब यहाँ पर जो लव है यहाँ पर बेसिकली इंफैटुएशन वो सब होता है ना वो होना चाहिए था, बट ठीक है जो सब चलता है ना समाज में और नॉर्मल तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ जो है इसका अलग है, ये पॉजिटिव वाला लव नहीं है, राग कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना, वो वाला लव नहीं है। सो जो वंडर जो है वो दो इमोशन से मिलके बना है, एडमायरेशन एंड फियर कम्बाइंड, ठीक है। रिवेरेंस यानी श्रद्धा, श्रद्धा जो होती है वो दो इमोशंस का कंपाउंड है, इट इज़ ऑ एंड रेस्पेक्ट। ऑ मतलब प्रतिज्ञा, क्या मतलब ऑ मतलब क्या है? अरे वो तो वो होता है ना आश्चर्यजनक रह जाना, हाँ वैसे वाह। ओके, तो श्रद्धा जो है वो दो इमोशंस का कंपाउंड है, एक तो वाह वाह करने वाली महीना जी अरे तुम बहुत बड़े हो और फिर उसके प्रति सम्मान भी है, तो फिर वो रिवरेंस आ जाता है। ओके मतलब कि अब हैरान रह गए उसे देख के। अच्छा जैसे बुद्ध की देख, जैसे भगवान बुद्ध को देख के, हाँ ना कि भगवान बुद्ध में देख, हाँ भाई व्यक्ति पूजा। ओके ये अमर्षा क्या होता है? आमर, अरे होता था बीमार आमर, आमर्ष विमर्ष आगे लिखा हुआ है, इट इज एंगर एंड जेलेसी कंबाइंड। तो नहीं ये आमर्ष क्या होता है पर टोटल? हां पता नहीं यार, नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं आमर्ष, पता तो है यार ये अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अरे अगले स्टेटमेंट में उसका कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, वो किन किन चीजों से मिलके बने, पर आमर्ष होता क्या है? हां ईर्ष्या जैसा कुछ कुछ है कि किसी ने तुम्हारे मान लो दोस्त ने बहुत आगे तरक्की कर ली तो तुम एक अजीब ईर्ष्या से भर जाते हो शायद, ऐसा कुछ। असहिष्णुता, आवेश, आवेश तो नहीं होना चाहिए यार इसका, यहाँ पर पता है नॉट हैविंग पेशेंस, लैक ऑफ। अमर्ष ऐसा लग रहा है जैसे कि एग्री नहीं कर रहे हम। अमर्ष का मतलब क्या होगा कोई बताएगा? कोई एन नीचे तो एन भी है, वहाँ पर देखो किन किन से मिलकर बना है, वहाँ पर देखो नीचे देखो किन किन से मिलकर बना है, वो क्या था पीडीएफ में? अमर्ष द्वेष टाइप है कुछ, एंगर एंड जेलेसी, ईर्ष्या द्वेष, हां भाई ना जेलेसी शब्द आ रहा ना तो वो ईर्ष्या से कुछ तो असहिष्णुता और आवेश, हां ये मैच नहीं कर रहा है वो इस स्टडी जो गूगल दे रहा है वो इससे मैच नहीं कर रही है। वो तो है, ठीक है। ओके एज सून एज द मैन इज पुल्ड डाउन टू अ लोअर लेवल, जैसे ही मैन नीचे की तरफ डाउन टू अ लोअर लेवल पुल होता है मतलब खींचा आता है, द एंगर ऑफ द एंगर ऑफ द इंफीरियर मैन हु हैज जेलस वैनिश, हु वाज जेलस वैनिश। एज सून एज द मैन इज पुल्ड डाउन टू द लोअर लेवल द एंगर ऑफ, अरे नहीं ऐसा है रे कि जैसे मान लो तुमने बहुत तरक्की कर ली, मेरे साथ ही पढ़ते थे, मेरे लंगोटिया यार हो तुम, और मैं रह गया घोचू का घोचू, तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, तो मुझ में एक आमर्स उठेगा कि अरे यार यू नो गुस्सा आएगा तुमसे, ये ईर्ष्या आएगी। वजह जैसे ही अगले दिन पता चला कि अरे तुम्हारा स्कैंडल हो गया, तुम आ गए यू नो धराशाई हो गए, तुम्हारा बुरा हो गया, तो मेरा जो जेलसी थी ना अब मैं कहूँगा हाँ अब तुम मेरे लेवल पे आ गए, तो वो
बैलेंस हो जाएगा कि अब नहीं मैं तुम्हारे प्रति ईर्ष्या से भरा रहूंगा कि अब तुम भी उसी लेवल पे आ गए जिस लेवल पे मैं हूँ, है ना। तो वो बात यहाँ पर की जाती है। ओके, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि जैसे ही माइंड नीचे की तरफ डाउन होता है, डाउन टू अ लोअर लेवल, द एंगर ऑफ इंपीरियमेंट वाज भाई ना, दो लोग थे यहाँ पे, दो लोग थे तो इनमें से जो ऊंचा उठ गया था वो जैसे ही गिरता है तो ये खुश हो जाता है। बोलते ना कि क्या कहा जाता है कि भारत में हम इसलिए दुखी नहीं है कि ज्यादातर लोग इसलिए दुखी है, मतलब इसलिए दुखी नहीं है कि उनके अपने दुख बहुत ज्यादा है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि पड़ोस में लोग सुखी है, है ना। तो वैसी बात कि अगर पड़ोसी भी दुखी रहे तो फिर हम सुखी है। समझ रहे ना, कुछ ऐसी सी बात है। उनको खुद ही नहीं पता कि क्या चाहिए। ओके, द प्लेजर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन इन द माइंड। जो प्लेजर होता है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन है माइंड में, प्लेजर मतलब जो आनंद, द माइंड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग प्लेजर, कूलनेस। प्लेजर आनंद नहीं होता यार, प्लेजर आनंद नहीं होता, कुछ और होता है, पता नहीं, शुद्ध भाषा में हम बोलते हैं मजे, मजे का आनंद तो कुछ जॉय होता है। हाँ ओके, मैंने गलत शब्द यूज कर लिया। अब प्लेजर मतलब क्या फिर, खुशी? पता नहीं, मैं इसमें देख रहा हूँ, क्षणिक सुख, क्षणिक सुख, हाँ क्षणिक सुख कह लो या तो और भी कोई शब्द होता हो, देख एक कंटिन्यू करूँ मैं, बताता हूँ अगर। ठीक है, जो माइंड को एग्जॉस्ट कर देता है, आनंद वो होता है जो मन को शांत कर देता है, मन को, मैं ना मन को शांत कर देता, आनंद होता है जो मन को तृप्ति देता है, जो अपन प्लेजर तृप्ति नहीं देता, जो अपन वाटर पार्क में कर रहे थे वो प्लेजर था। हाँ वो प्लेजर, ये सब प्लेजर ही है भाई, ये तृप्ति नहीं देते, ये तो उल्टा हमें और इसी टाइप की चीजों की ओर भूख बढ़ाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देते, ये और चाहिए, और चाहिए प्लेजर जो है, और प्लेजर मांग, जैसे सेक्स, जैसे आनंद जो है वो, हाँ इस टाइप की सारी चीजें। ओके, कूलनेस प्रिवेल्स इन द माइंड, वॉट टेक्स place of mind when pleasure feelings arises is not exactly understood by the western psychologist. What takes place of the mind when pleasure feeling arises is not exactly understood by the western psychologist. Okay, isko mujhe samjhana hai kya? Nahi nahi, okay Prabhat, man mein aaya hai to samjhana chahega. What takes place of the mind when pleasure feeling arises is not exactly understood by the Western psychologists. The pleasure feeling जब arise होती है तो उस समय क्या होता है exactly, वो जो Western psychologists हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं इस बारे में, मतलब उन्हें exactly समझ नहीं आता। Sunil, do you want to add? नहीं नहीं ठीक है। It is incapable of being understood also by ordinary person. So it is incapable of being understood. मतलब ये आम आदमियों को भी इजिली समझ में नहीं आता है। Only a yogi or a gyani knows the psychic phenomena. जो योगी और ज्ञानी होते हैं उन्हें ही जो मानसिक जो जानते हैं जो मानसिक फिनोमिना को। यहाँ पे एक चीज जो मैं नोट या फिर हम नोट कर रहे हैं, जे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे ज्ञानी लिखा हुआ है। जानी यार, ठीक है जानी यार। अरे नहीं ना, वो क्या है ना, हिंदी में हम ज्ञानी बोलते हैं बट संस्कृत में उसको ज्ञानी नहीं पढ़ते, उसको ज्ञानी ही पढ़ते। मराठी में तुम देखोगे ना तो ज्ञान ज्ञानी नहीं होते, मराठी में तो ज्ञान शब्द ही नहीं होता, वहाँ पर ज्ञान ही बोलते हैं, असल में ज्ञान ही होता है, ज्ञान। हाँ यार, वो संस्कृत में अगर प्योर पढ़ोगे तो ज्ञान होता है, हिंदी में उसको क्या चल है यार, जा उस तो ही अपन हम ये रिकॉर्डिंग में बहस करेंगे लंबी चौड़ी, जानी है ज्ञानी है मतलब समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, थोड़ा मैं वो भी समझ में आ जाती है ना, क्या बोलते इसको, एटिमोलॉजी, क्या वो, नहीं नहीं एटिमोलॉजी बोलते ना, शब्द आया कहाँ से, उसका मूल क्या, एटिमोलॉजी बोलते। ठीक है आगे। ओके, फिनोमिना को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकदम मतलब फिनोमिना समझ में तो आता है कि साइकिक फिनोमिना जो माइंड में जो प्रोसेस जो है, ठीक है जो चल रहा है, ठीक है हमें समझ में आता ड्यूरिंग पेन द माइंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जब पेन होता है तो माइंड सिकुड़ता है, कंसिडरेबल हीट इज प्रोड्यूस इन द माइंड, ठीक है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है माइंड में। मैनी ऑफ द फिजिकल डिजायर्स एंड इमोशंस इन मैन आर अकिन टू दोज ऑफ द लोअर एनिमल्स, मेजॉरिटी मैनी ऑफ द फिजिकल डिजायर, जो बहुत सारे जो फिजिकल डिजायर्स एंड इमोशंस होते हैं मैन के अंदर वो सेम टू सेम होते, अकिन मतलब सेम टू दोज ऑफ द लोअर एनिमल्स।
एंगर एंड सेक्स इम्पल्सिस इन मैन आर द ब्रूटल इंस्टिंक्ट्स. सो जो एंगर एंड सेक्स इम्पल्स होती है ब्रूटल इंस्टिंक्ट्स होती हैं. इन द अनडेवलप्ड मैन दिस डिजायर्स एंड इमोशंस विच बिलोंग टू अ लोअर नेचर आ प्रकृति प्रिडोमिनेट एंड ओवर पावर द हायर नेचर प्राप्रकृति और अपरा प्रकृति. ठीक है, तो इजीली अंडरस्टूड बात है ये तो, है ना. लोअर जो अनडेवलप्ड मैन होते हैं उनमें ये डिजायर प्रिडोमिनेट करती हैं और ओवर पावर कर लेती है हायर नेचर को, उसके अंदर परा प्रकृति को. इट इज़ द सिम्टम ऑफ वीकनेस टू हैव इमोशंस इन द माइंड. इट इज़ अ सिम्टम ऑफ वीकनेस टू हैव इमोशंस इन द माइंड. ये भी क्लियर है. दे शुड बी कंट्रोल्ड बाई द इंटेलेक्ट एंड द विल. उनको कंट्रोल करना है अपने इंटेलेक्ट एंड विल से. ओके सुनील, डू यू वॉन्ट टू टेक ओवर? हाँ ठीक है प्रेजेंट तुम ही करते रहो. ठीक, प्रेजेंट मैं ही करूँ? टू टेक ओवर नहीं करेगा? हाँ, टू टेक ओवर नहीं कर रहा? नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज़ क्या बोल रहे? मैं कह रहा हूँ डू यू वॉन्ट टू टेक ओवर? नहीं हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ बट प्रेजेंट तुम ही करते रहो. ठीक है, ओके. How to control emotions and impulses. तो कैसे कंट्रोल करना है इस बारे में हम चर्चा करें. When emotions and impulses trouble you much. जब भावनाएं और आवेग बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे. Be indifferent. उदासीन. तो indifferent रहो, उदासीन रहो, उनके प्रति उदासीन रहो. जो कि हम कई जगह सीखते भी हैं, विपस्ना में भी कुछ कुछ हमें सीखते रहते हैं कि कुछ भी उठ रहे हैं आवेग, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक. और अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम नहीं है, यू नो, ऐसा नहीं कि सच में कुछ हो गया, हाथ में कट लग, तो हमें नहीं रहना है इंडिफरेंट. बट जो अदरवाइज जो उठ रहे हैं तो उनके प्रति वो रहो, इंडिफरेंट रहो, उन पर तुरंत एक्ट करने मत लग. मन ने कहा चॉकलेट खानी है और तुम तुरंत उठ जाओ, तुम मैं कुछ वही नहीं, उसको डिस्टिंग्विश करने का नहीं कि इस पर चलना है कि नहीं चलना. तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिफरेंट रहो, उठ रहे हैं उठने दो. ये टू योर सेल्फ, अपने आप से कहो, हू एम आई? आई एम नॉट दी माइंड, आई एम दी आत्मा, ऑल परवेडिंग शुद्ध चिदान. यहाँ पर कहो कि मैं कौन हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ जिसमें आवेगों की तरंगें उठ रही हैं या भावनाओं की तरंगें उठ रही हैं. आई एम आत्मा. तो ऐसा कह दो कि मैं आत्मा हूँ, या फिर ये कह दो, इतना ही ना सकती, आई एम नॉट माइंड. ये चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है. ये कहना मैं आत्मा हूँ ये फायदेमंद तो है, लेकिन कदाचित आज की डेट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बना, रिलेट नहीं करता इस चीज़ को. हमें पता है कि माइंड कुछ होता है, तो ये कहना कि हम माइंड नहीं है उसका सेंस बनता है. और ये कहना हम आत्मा हैं तो फिर वहाँ पर हम एक तरह से छवि बना लेते हैं. बट नहीं भी, अगर उसका भी फायदा मिल रहा है तो ठीक है, कह दो. इसीलिए तो हम वो पूरा पढ़ते हैं निर्वाण षटकम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी नाहम, पूरा इसलिए पे लास्ट में इसलिए उन्हें कहना पड़ता है शंकराचार्य जी को, शिवो हम शिवो हम चिदानंद रूपा शिवो हम. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये कहेंगे कि माइंड नहीं हूँ तो शायद बेचैन हो जाते हैं, क्या है? तो इसीलिए कह दिया जाता है कह दो शिवो हम आत्मा. हाउ कैन इमोशंस अफेक्ट मी? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब मैं माइंड नहीं हूँ तो मुझे ये इमोशंस कैसे प्रभावित कर सकते हैं. आई एम निर्लिप्त, मैं इनसे अनअटैच्ड, अप्रभावित हूँ, निर्लिप्त हूँ. आई एम साक्षी, मैं इनका विटनेस ना इनका वो नहीं हूँ, इनके हाथ का खिलौना नहीं हूँ, कठपुतली नहीं हूँ ऑफ दीज इमोशंस, इन इमोशंस की कठपुतली नहीं हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ, नथिंग कैन डिस्टर्ब. तो ये मुझे परेशान नहीं कर सकते, ये सॉर्ट ऑफ दिए जाते ना यार, क्या बोलते हैं जो हम सो कॉल्ड पॉजिटिव थॉट जो है वो रिपीट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इन्होंने परमहंस योगानंद जी ने बहुत रिकम, हाँ, असर्शन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ऑटो सजेशंस. हाँ, वो उसी टाइप की चीज़ है. मैंने रिपीट दीज सजेशंस और विचार द इमोशन बिल्ड आए बाय देम से. जब तुम ऐसा करोगे स्ट्रॉन्ग विचारों से, मजबूत विचारों से, तो जो भावना है वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, डाई डाउन. दिस ज्ञान मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इमोशन इजियर देन द योगिक मेथड ऑफ ड्राइविंग द इमोशन स्ट्रगलिंग विद द माइंड. ये जो तरीका है कि तुम इनको कंट्रोल कर रहे हो भावनाओं को इस तरीके से, ज्ञान की मेथड से, ज्ञान एक सवाल उठा के कि मैं कौन हूँ, मैं तो आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मैं मन नहीं, वो आसान है योगियों के उस तरीके से जहाँ पर वो इमोशंस को सॉर्ट ऑफ हटा देते हैं या फिर माइंड के साथ संघर्ष करते हैं. योग चित्ती निरोधा की, यहाँ पर वो मन को विचारों से ही मुक्त कर देना चाहते हैं या इमोशंस से ही मुक्त करना चाहते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है. सेंटीमेंट, ठीक है, सेंटीमेंट्स को यार मैं तो भावना ही कहूँगा, इमोशंस की भावना सेंटीमेंट.
यहाँ पर देखिए रिलीजियस सेंटीमेंट, ओके ठीक है, इस सेंस में बोला जाता है रिलीजियस सेंटीमेंट, सोशल मॉरल सेंटीमेंट, एस्थेटिक सेंटीमेंट, जो हमें ये सब्जेक्टिव चीज़ हो गई ना, कि मुझे लगता है कि सबको चप्पल उतार के अंदर आना चाहिए, हमारे यहाँ चलता है ना भाई, तुम जूते उतार के अगर अंदर आ गए कि मतलब जूते पहन के अंदर आ गए तो भारत में अजीब लगे, विदेशी लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम, तो हमारे सेंटीमेंट है उस चीज़ से अटैच, तो उस सेंस में कहा एस्थेटिक सेंटीमेंट और सेंटीमेंट फॉर द सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल आर द थ्री इम्पोर्टेंट सेंटीमेंट ऑफ द माइंड, कौन कौन से, रिलीजियस ठीक है, धार्मिक और नैतिक और एस्थेटिक, एस्थेटिक पर हम समझते हैं ना कि यार ये सब सब चीज़ सब जो ब्यूटी जो पता नहीं थी जो देखने वाली चीज़ फीलिंग फीलिंग एंड सेंटीमेंट आर इल्यूजनरी, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, हमारे मन की कल्पना है, हमारे सिद्धांत हैं कि ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, अगर मान लो हमने किसी गरीब औरत को अपने बच्चे के साथ भीख मांगते हुए देखा, तो एक आदमी हो सकता है जो एकदम करुणा हो जाए, कहे ऐसा कुछ देना चाहिए, दूसरा हो सकता है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, गालियाँ और दे के भीख, आवाज गई, वो सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से कोई और कंटिन्यू करेगा क्या, मुझे एक कॉल आ रहा है, ठीक है ठीक है, घर से कॉल आ रहा है, कॉल कोई और प्लीज कंटिन्यू, ठीक है ठीक है, सो प्रभात जी शुरू करें यहाँ से, ठीक है, फीलिंग्स एंड सेंटीमेंट्स आर इल्यूजरी, जो भावनाएं और ये सेंटीमेंट्स ये दोनों एक ही चीज है क्या, आइडियोजरी जो कि असल में ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, दे आर नॉट इन आत्मन, ये आत्मा में नहीं है, मतलब ये ब्रह्म जो असलियत जो है वहाँ पे वो नहीं है, दे आर डिसेप्शंस क्रिएटेड बाय द माइंड, धोखा है मन में किए गए ब्रह्म है, मन के द्वारा किए गए ब्रह्म, ये धोखा है जो माइंड के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है, मूड्स 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 मतलब मूड मूड, हर एक चीज़ का हिंदी, हर एक चीज़ का हिंदी नहीं करना, मतलब मतलब समझ में आना चाहिए, जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है उसको हिंदी में क्या बोलना, ठीक है, मूड इज ए मेंटल स्टेट, मूड एक मानसिक स्थिति है, द संस्कृत टर्म इज भाव, संस्कृत शब्द इसके लिए भाव है, मूड को भाव कह दिया इन्होंने, हम सोच रहे थे हिंदी में क्या कहेंगे, यहाँ पे कह दिया इन्होंने भाव, दिस टर्म आल्सो डज नॉट एक्सप्रेस द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड मूड, ये भाव भी मूड को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता, वैसे मिस्टर नायडू और मिस्टर एटकिंसन इज ए मूडी जेंटलमैन, हम कहते हैं कि मिस्टर नायडू या मिस्टर एटकिंसन एक मूडी जेंटलमैन है, जेंटल मतलब बहुत सब मतलब ठीक है समझ में आता है, बात एक एक मतलब अपन को हर एक चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना होता है, जो चीज़ अंडरस्टूड है उसको उतना वो नहीं, जेंटलमैन अपन को समझ में आता है, वो एटिकेट्स की भाषा में जेंटलमैन बोल दिया जाता है, अपन को आगे बढ़ जाना है, ठीक है, दिस मीन्स ही बिकम्स अ स्लेव ऑफ द मूड क्विकली, इसका मतलब ये है कि वो मूड के बहुत जल्दी गुलाम हो जाते हैं, मतलब अपने अभाव आवेश के, we also see this that gentleman is in good mood or happy mood, hum aise bhi kehte hain ki wo gentleman acche mood mein aaj aur aaj khush mood mein khush mizaj mein hai, i can approach him now for a short interview or talk, main unse abhi ek chote se sakshatkar ya baat cheet ke liye ja sakta hu, aur he is in a very angry mood ya fir wo bahut hi gusse ke mood mein hai, I should not see him. अभी मुझे नहीं देखना चाहिए उन्हें. The English people during the course of their conversation use the term mood in a broad sense. जो अंग्रेज लोग हैं वो अपने बातचीत के दौरान mood को एक बहुत ही चौड़े ढंग से use करते हैं, मतलब कि बहुत ही व्यापक रूप में use करते हैं. तो इसका ब्रॉड सेंस का मतलब क्या हुआ? ब्रॉड मतलब होता है व्यापक, जैसे अच्छा मतलब कि कोई मतलब नहीं है, मतलब उस स्पेसिफिक उस हाँ कोई उसका सब्जेक्टिव मीनिंग है, उसका सब्जेक्टिव मीनिंग है, बहुत ज़्यादा उसका सब्जेक्टिव मीनिंग है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है,
मतलब एक पॉइंट के लिए नहीं, मतलब बड़े बड़े टाइम पीरियड के लिए, बड़े टाइम पीरियड के लिए ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाता है, मतलब उसको कई चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए या कई चीज़ों को बताने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, मतलब वो बहुत ही सब्जेक्टिव इन नेचर है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव से मतलब आपका? सब्जेक्टिव मतलब जिसको जिसके कई सारे, जिसके कुछ क्लियर मीनिंग नहीं होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव होता है उसका क्लियर पता होता है ना, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, चार ऑप्शंस होते हैं, हमें क्लियर पता होना चाहिए व्यक्ति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा वो, व्यक्ति के हिसाब से। हाँ ठीक है, दे से ही इज इन अ टॉकिंग मूड, ही इज इन अ साइलेंट मूड, वो कहते हैं कि वो आज बातचीत करने के मिजाज में है या फिर शांत रहने के ख्याल में है, इज इन अ मूड ऑफ हेट्रेड, वो आज बहुत ही ज़्यादा घृणा से भरे हुए हैं, ही इज इन अ मूड ऑफ लव, आज वो प्रेम से भरे हुए हैं, ही इज इन अ मूड ऑफ सेल्फिशनेस, वो आज स्वार्थ से भरे हुए हैं, ही इज इन अ मूड ऑफ जेलसी, आज वो जेलसी। ठीक है भाई, जेलसी मतलब हमको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना है, जो अंडरस्टूड है, जेलसी में समझ में आता है, ईर्ष्या ईर्ष्या मतलब समझ में आता है, ईर्ष्या। ही इज इन अ मूड ऑफ सेपरेटनेस, वो अलग अलगाव से भरे हुए हैं, क्योंकि अब अलग ही रहना है, ही इज इन अ मूड ऑफ यूनिटी, वो अब एकत्र से भरे हुए हैं, सबको एक साथ देखकर चलने में भरे हुए हैं, इन द लाइट ऑफ वेदांत दीज आर ऑल वृत्तीज थॉट्स और इमोशंस ओनली, वेदांत की दृष्टि में ये सब की सब वृत्तियाँ ही हैं जो कि थॉट्स और इमोशंस जिसे हम कहते हैं। डॉक्टर भगवान दास द रिप्यूटेड ऑथर ऑफ साइंस ऑफ इमोशंस क्लासिफाइज दिस अंडर इमोशंस ओनली, डॉक्टर भगवान दास इस सब को इमोशन ही कहते हैं अपनी बुक में, साइंस ऑफ इमोशंस में। ठीक है, मैं देखता हूँ टू काइंड्स ऑफ मूड्स, क्या मैं लेता हूँ, सुनील पता नहीं अभी है कि नहीं, द टू काइंड्स ऑफ, कहाँ पर है? हाँ मैं हूँ, बोलो बोलो। तो तू क्यों नहीं पढ़ा रहा है? हाँ तू क्यों नहीं टेक ओवर कर रहा है? नहीं कर, ठीक है कंटिन्यू कर, तुम क्या दिक्कत? ठीक है, द टू काइंड्स ऑफ मूड्स एंड देयर इफेक्ट्स, ना दो काइंड्स ऑफ मूड्स एंड देयर इफेक्ट्स इन वेदांता, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ मूड्स विच हर्ष जॉय एक्सल्टेशन एंड एक्सेलरेशन एंड शोक ग्रीफ एंड डिप्रेशन, इजीली अंडरस्टूड है, इन द माइंड these two kinds of moods prevails, in mind mein two kinds of moods prevail karte hain, now there is a joy, 5 minutes later there is a depression, these currents alternates, they belong to the shad urmis, they belong to shad urmis 6 waves, they belong karte hain shad, kisi ko pata hai shad urmis kya hote hain? Pata nahi, koi reference diya hai kya? उर्मी तो गर्मी टाइप लगता है, पर यहाँ पे पता नहीं क्या मतलब, मतलब यहाँ पे 6 वेव्स के बारे में बात करी, कोई 6 वेव्स पता नहीं क्या होती हैं, सट रिपू तो होते हैं, 6 वेव्स क्या है पता नहीं, सट रिपू 6 दुश्मन। ठीक है आगे बढ़ते हैं, दे आर टू वेव्स दैट, यार ये फिर से ख़त्म होने वाली 10 मिनट में, दे आर टू वेव्स दैट अफेक्ट्स द माइंड ओशन, इनमें से दो होती हैं जो माइंड ओशन को अफेक्ट करती हैं, people of gloomy moods attract to them gloomy things and gloomy thoughts from others and from the akashic records in the physical ether. ठीक है, akashic records तो मैंने सुना है, जो gloomy mood वाले लोग होते हैं वो अपनी तरफ gloomy things को attract करते हैं, gloomy thoughts को attract करते हैं दूसरों से, and from the akashic records in the physical ether. actually akashic records मुझे पता है, बाकी सबको पता है क्या? आकाश मतलब जो ये गगन ऊपर छाया हुआ? नहीं 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 सुनील, देखो पता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, मुझे तो पता है, पता नहीं इसको सॉर्ट ऑफ वो कहा जा रहा है क्या, नहीं इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हर एक मनुष्य होता है ना, जैसे जैसे एक हमारा ईमेल आईडी होता है, हमारा ड्राइव होता है उसका, है ना, उसी तरह से हर एक कॉस्मिक अकाउंट जो है, हाँ हर एक व्यक्ति का, एक हर एक व्यक्ति का ड्राइव होता है, एक क्लाउड होता है, एक क्लाउड होता है जहाँ पे उसके जो भी इमोशंस हैं और जो भी वो कार्य करता है वो सब रिकॉर्ड होते रहते हैं, हमारे ईच एंड एवरी एक्शन, मतलब लॉ ऑफ कर्मा। हाँ लॉ ऑफ कर्मा भी उसको कहते हैं। तो
उसको जो तो जैसे हम जैसे हमारे थॉट्स हो रहे होते हैं ना, उसी टाइप की चीज़ें हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और फिर जो हमारे कर्मास होते हैं वो उसमें सब रिकॉर्ड्स होते रहते हैं, और फिर उसके हमें रिजल्ट्स भी मिलते रहते हैं, और ये सब ईथर में होता है। रिकॉर्ड्स है ना, फिजिकल ईथर। ईथर जो है वो बेसिकली आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया, क्योंकि जब ये थ्योरी नहीं थी कि लाइट वेव कैसे ट्रेवल करती है, जो लाइट की वेव जो सन से आती है वो कैसे आती है, तो माना गया कि भाई हर चीज़ को आने जाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है ना, तो कहा गया कि जो आकाश है वो ईथर नाम के एक तत्व से भरा हुआ है, एक सॉर्ट ऑफ इमेजेंट। बस बाद में पता चला मैक्सवेल ने बताया कि नहीं नहीं, जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो अपने आप ट्रेवल कर सकती है। तो ठीक है, फिर इससे जो ईथर वाली कॉन्सेप्ट है वो एटलीस्ट साइंस से तो हट गया, बट अभी भी हम उसको सूक्ष्म स्तर पर कह देते हैं कि आकाश ये ईथर ना, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जस्ट। तो पहले ऐसे माना जाता था कि जो वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। हाँ, किसी भी चीज़, चाहे वो साउंड वेव हों चाहे और लाइट वेव्स हों, वो कैसे ट्रैवल कर रही है, नहीं जब तक मैक्सवेल ने नहीं बताया, उनका फॉर्मूला नहीं दिया कि तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको नहीं चाहिए मीडियम। मैक्सवेल के पहले यही माना जाता था, मैक्सवेल के पहले ये नहीं पता था कि जब सन से लेकर अर्थ तक जो लाइट आ रही है वो तो वैक्यूम में आ रही है। कैसे वैक्यूम? अरे वैक्यूम वही तो दिक्कत थी ना, कैसे आ रही है, क्योंकि मीडियम चाहिए, वैक्यूम है तो आ कैसे रही है। पहले ये था ना कि मीडियम के थ्रू ही चीज़ें ट्रैवल कर सकती हैं, बिना मीडियम के कैसे ट्रैवल करेंगे, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर वो तो साइंस में चले जाएंगे। अपन मेरा साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब तक मैक्सवेल नहीं आए। ओके, पर अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये तो क्या साइंस की ऊपर डिबेट हो जाएगी फिर, कि वैक्यूम से भी तो आ रही है ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना कि उसको मीडियम नहीं चाहिए। अरे तगड़ी भाई, तो उस वक्त तक लोगों को नहीं पता था कि ऊपर अर्थ के ऊपर क्या है। मुझे नहीं मालूम कि मैक्सवेल कब था, अरे 1880 तक तो पता पड़ गया था ना। हाँ तो वही ना, उसी समय की बात है, उससे पहले यही तो चलता था ना कैसे होता हुआ ये, और इतना डिटेल में नहीं पता था ना कि ये एक्स्ट्रा क्या होता है कि अर्थ के एनवायरनमेंट के बाहर क्या है। अर्थ के एनवायरनमेंट तक तो एयर है, ठीक है, डेंसिटी कम हो जाती है बट एयर है, उसके बाद क्या है उसके लिए फिर ये पूरी फिर कल्पना गढ़ी गई थी कि ये शायद ईथर। गैलीलियो ने तो वो तब तक बहुत पहले इन्वेंट कर दिया था वो क्या कहना चाहिए, स्कोप क्या बोलते हैं उसके, हाँ टेलीस्कोप। ये तो वही ना, ईथर को कोई फिजिकल चीज थोड़ी मानी गई, एक सटन चीज अदृश्य चीज मानी गई, माना गया ईथर को। ठीक है, पर्संस विद होप कॉन्फिडेंस एंड चीयरफुल स्पिरिट्स अट्रैक्ट थॉट्स ऑफ सिमिलर नेचर फ्रॉम अदर्स। ये तो अंडरस्टूड है, दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन देयर अटेम्प्ट्स। जो पर्सन होते हैं होप के, कॉन्फिडेंस के, जो हमेशा खुश रहते हैं, वो उसी टाइप के थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरों को भी उसी टाइप के थॉट्स वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं। पीपल विथ नेगेटिव मूड्स ऑफ डिप्रेशन, एंगर, हेट्रेड डू पॉजिटिव इंक्वायरी टू अदर्स। पीपल विथ नेगेटिव मूड्स ऑफ डिप्रेशन, एंगर, हेट्रेड डू पॉजिटिव इंक्वायरी टू अदर्स। वो पॉजिटिव इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं यार? यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या? जो नेगेटिव मूड वाले होते हैं, डिप्रेशन, एंगर, हेट्रेड, डू पॉजिटिव इंक्वायरी, वो पॉजिटिव इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं अदर्स की? इंजरी टू अदर्स, मतलब वो इंजरी भी पॉजिटिव कैसे हो सकती है? पर दे इम्पैक्ट अदर्स एंड रेज दीज डिस्ट्रक्टिव वृत्तीज इन अदर्स। तो वो दूसरों को इम्पैक्ट करते हैं और ये डिस्ट्रक्टिव वृत्तीज दूसरों के अंदर रेज करते हैं। दे आर कल्पेबल मतलब उसको बोलते हैं ना, जो प्रभावित हो जाए या फिर जो अफेक्टेड हो जाए, ऐसा क्या बोलते उसको, एक और अच्छा टर्म है, वल्नरेबल से रिलेटेड कुछ होगा, वल्नरेबल है ना, हाँ ऐसे कुछ रहेगा उसी से मिलता अर्थ, हाँ तो दोषी है, वल्नरेबल थोड़ा अलग है दोषी। ओके, ये लोग दोषी होते हैं एक्चुअली। अच्छा, कल्प्रिट से आए, कल्प्रिट मतलब होता है ना दोषी, ये कल्प्रिट से आए, कल्प्रिट होते हैं ना जो दोषी होते हैं, तो दे आर कल्पेबल, ये लोग जो होते हैं गलती के जिम्मेदार होते हैं, दोषी होते हैं। कुछ बोल रहा था सुनील?
दे डू ग्रेट डैमेज इन द थॉट वर्ल्ड. तो जो उस पूरी दुनिया में जो थॉट वर्ल्ड चल रहा है इसके ऊपर तो बहुत लंबी छोटी कहानी बताई जा सकती है. बट छोड़ो, पूरा पूरा इतना हर व्यक्ति जो विचार कर रहा होता है वो थॉट वर्ल्ड में वेव की तरह फ्लोट कर रहा होता है, और ज़्यादातर तो बैड ही थॉट होते हैं इस दुनिया में. पीपल विथ हैप्पी एंड चेयरफुल मूड्स आर ब्लेसिंग टू सोसाइटी, दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर्स. ठीक है. जस्ट एज अ यंग ब्यूटिफुल लेडी कवर्स हर फेस एंड डज नॉट लाइक टू कम आउट टू मिक्स विथ अदर्स इन सोसाइटी व्हेन शी हैज़ अ नेस्टी पेस्टरिंग सोर ऑन चेक्स और नोज. जिस तरह से एक खूबसूरत लड़की अपने फेस को कवर कर लेती है और पसंद नहीं करती है मिक्स होना विथ अदर्स इन सोसाइटी, क्योंकि उसकी उसके चेहरे के ऊपर फेस्टरिंग सोर और हर चेक्स और नोज उसकी नाक के ऊपर या चेक्स के ऊपर, मतलब ठीक है चेक्स मतलब अपने गाल के ऊपर एक वो होता है, एक निशान होता है. सो ऑल्सो यू शुड नॉट कम इन पब्लिक एंड मिक्स विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल वैन यू हैव मूड ऑफ डिप्रेशन. उसी तरह से जब आपके पास मूड ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए तो आपको लोगों से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर वही आप स्प्रेड करोगे लोगों में. अब मूड ऑफ हेट्रेड और जेलसी, इसी तरह से डिप्रेशन मूड ऑफ हेट्रेड और जेलसी हो तो फिर लोगों से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर वही स्प्रेड होता है. फॉर यू विल इन्फेक्ट अदर्स विद दीज मूड्स, है ना, क्योंकि हम जैसे भी मूड में होते हैं वो हमारा मूड दूसरों को इफेक्ट करता है. इसलिए जब हमारा मूड खराब हो तो बात नहीं करना चाहिए. यू आर अ मैनेज टू द सोसाइटी, आप सोसाइटी के लिए एक समस्या बन जाएंगे. हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मूड्स, सुनील टेक ओवर और मैं करूँ. ठीक है तो जो हमारा नेगेटिव मूड है उसको कैसे कंट्रोल करना है. साध काज शुड ट्राई टू इरेडिकेट डिप्रेशन बाय प्रेयर मेडिटेशन काउंटर थॉट्स ऑफ जॉय चैंटिंग ऑफ ओम विचार एंड सिंगिंग डिवाइन सॉन्ग. तो बेसिकली यहाँ पर एक प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है, ठीक है, तो जो वास्तव में ज़्यादातर लोगों के लिए काम करे, क्योंकि ये ध्यान रखो कि अपनी कोई सलाह दी जा रही है संतों के द्वारा तो वो ये सॉर्ट ऑफ एक पर्टिकुलर स्थिति में एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए दी जा रही है, और उस स्थिति में जो भी है वो सबके लिए काम आएगी उस स्थिति में अगर नहीं है. तो यहाँ पर हम जैसे कॉमन लोगों के लिए सलाह दी जा रही है कि भाई तुम तो क्या करो, जब डिप्रेशन में हो तो प्रार्थना करो, ध्यान करो, जो शुभ विचार हैं उनका चिंतन करो, ओम की चैंटिंग करो, है ना, और भजन गाओ, इस तरह की बातें यहाँ पे सलाह दी जा रही है. नेवर गिव रूम फॉर ग्लूमी डिप्रेशन, और फिर उस जो अवसाद है उसको और ज़्यादा किस्मत दुख फैल जाने के लिए हावी हो जाने के लिए. रिपीट ओम विद भाव, और तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक जो भाव है बेसिकली भाव इमोशंस ही है एक तरह से, लेकिन ये जो भाव है वो उस तरह के हैं जो कि हमारी शुद्धि करते हैं. तो उस भाव से शुद्ध भाव से ओम का उच्चारण करो. रिपीट आई एम आनंदमय, अपने डिवाइन स्वरूप को याद करो, ऐसा कहा जा रहा है आनंद स्वरूप जो है माई स्वरूप ही आनंद है ना, तो मेरा जो स्वरूप है वो आनंद है. डिप्रेशन विल वैनिश, इस तरीके से जो तुम्हारा डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन क्यों आ रहा है, किसी चीज़ की वजह से कुछ हुआ नहीं तुम्हारे हिसाब से, या नो सब उसमें डिपेंड नहीं हुआ, बट कुछ है जो तुम्हें लग रहा है ठीक नहीं है, इस वजह से तुम डिप्रेस हो, तो वो थोड़ी देर के लिए हट जाएगा जब तुम्हें कहोगे माई स्वरूप ही आनंद. देर आर वेरियस कॉजेस फॉर दिस डिप्रेशन, बहुत सारे कारण हैं साथ के क्लाउडी डेज. ओके सो